Okay, good morning everyone. We will now start off with our EIS SM classes. CA Inter EIS SM aapke group 2 ka ek bahut hi important hissa hai. And EIS SM ki classes ki ye journey approximately hum sawa 2 mahine mein pura karenge. ठीक है ना, इस सवा दो महीने के अंदर हम इनिशियली अपनी क्लासेस को अबाउट 3 days अ वीक रन करने वाले हैं फॉर द फर्स्ट 2 weeks एंड देन वी विल मेक इट 5 days अ वीक एंड रन इट फॉर 5 days एंड अप्रॉक्सीमेटली फिनिश ऑफ इन 2.5 months. सो आर टारगेट वुड बी टू फिनिश ऑफ बाय अप्रॉक्सीमेटली फर्स्ट वीक ऑफ ऑगस्ट. नाउ आपके साथ क्लासेस शुरू करने के पहले, टॉपिक्स शुरू करने के पहले कुछ इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शंस है जो आपके साथ डिस्कस करना चाहता हूँ. सबसे पहले हम अपनी क्लासेस के बारे में आपको ये बता दें कि हमारी क्लासेस सिर्फ और सिर्फ ICAI मैट होती है. सो मेरा पर्सनली ऐसा मानना है कि थ्योरी अगर आपको पढ़ना है सो देयर इज नो बेटर प्लेस टू स्टडी देन द ICAI मैट, बिकॉज एग्जामिनर के पास दो हमें नॉलेज चाहिए सर, लेकिन बाकी एट द एंड ऑफ द डे तो इट्स ऑल अबाउट मार्क्स सर. तो हमारे लिए ये इंपॉर्टेंट है कि वी आर एबल टू स्कोर वेल, एंड टू बी एबल टू स्कोर वेल थ्योरी पेपर में देयर इज नथिंग दैट हेल्प्स यू टू स्कोर रादर देन द ICAI मैट, बिकॉज ये अपना बेयर एक्ट की तरह है. तो अगर हमने इस ICAI मैट को 3 बार 4 बार पढ़ लिया, मेरी क्लासेस का सिंपल इंस्ट्रक्शंस अगर आप फॉलो कर रहे होंगे ना, सो बाय द टाइम यू एंटर द एग्जामिनेशन हॉल यू वुड हैव फिनिश्ड दिस बुक 5 times. क्या सर, खाली आप ही का सब्जेक्ट पढ़ना है क्या? 5 times? अरे हाँ रे, हम कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी नहीं करवाएगा. क्लास में आप मेरे साथ साथ एक बार पढ़ोगे, हम तो ऐसे मैथ से पढ़ा रहे हैं. घर में एक बार आपको साथ साथ में रिवाइज करने हम बोलेंगे अभी इंस्ट्रक्शंस देते हुए. बाकी बीच बीच में हम मॉक टेस्ट लेंगे, तब आप एक बार पढ़ोगे, हम पढ़वाएंगे आपसे. फिर लास्ट के 2 महीने में आप एक बार रिवाइज करोगे, एग्जाम के पहले 1.5 दिन में करोगे. बेयर मिनिमम से मिनिमम 5 बार आप पढ़ रहे होंगे. एंड अगर आपने लाइफ में 5 बार एक बुक को पढ़ लिया, उसके बाद आप अच्छा आंसर लिख सकते हो, इतना तो अपने आप पे कॉन्फिडेंस रखना. सो आई विल डू नथिंग एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी फॉर यू, बट येट वी विल ब्रिंग आउट द एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी फ्रॉम द ऑर्डिनरी. दैट्स व्हाट आवर ऑब्जेक्टिव इज. हम EIS SM की क्लासेस में ICAI मैट को ही लेके क्लासेस कंडक्ट करेंगे. बाकी हमारी 3 मैट्स होती है, आप लोगों को शायद अभी तक मिल भी चुका होगा. So there are these revisionary mats of EIS and SM that you will have, and then there is going to be this MCQ mat that you will have. Okay, so these are all different mats that you get. So how do we use these mats? What are these mats for? So basically these mats are going to be used for revision purposes. खास करके 1.5 दिन के अंदर ना, ये मोटे मोटे EIS के बुक को पूरा रिवाइज करना फ्रॉम द ओरिजिनल बुक बहुत डिफिकल्ट लगता है स्टूडेंट को. तो हम उस 1.5 दिन के रिवीजन के लिए इस रिविजनरी बुक्स वगैरह को यूज में लेते हैं. कैसे, कब, कहां कहां उसको यूज करना है, हम हर एक एक चैप्टर को खत्म करके रिविजन सेशंस कराएंगे, उसके लिए इन रिविजन मैट्स को यूज करेंगे. सो डेली के क्लासेस के लिए जो फिजिकली लाइव आ रहे हैं, जो वर्चुअली कनेक्ट कर रहे हैं, आपको सिर्फ ICAI मैट चाहिएगा. बाकी ये रिविजनरी मैट्स जब सेशंस के लिए दरकार होगी हम आपको इन्फॉर्म कर देंगे. ब्रिंग द रिविजनरी मैट फॉर द नेक्स्ट सेशन, यू ब्रिंग दैट, वी यूज दैट फॉर रिविजन पर्पसेस. क्लासेस के अंदर आई वुड वॉन्ट यू टू कैरी अ सेपरेट कॉपी फॉर मी. आइडियली अगर आप आज कॉपी लाए हैं तो बहुत अच्छा, नहीं लाए तो लोड नहीं लेने का. आज आज नोट्स में, कॉपी में, शीट में मैनेज करते हैं. शीट्स नहीं हो आप रिसेप्शन से ले आना, ठीक है ना, बट वर्चुअल वाले आपके पास तो बहुत सारे जुगाड़ होंगे तो मैनेज कर लेंगे. बट मेक अ सेपरेट कॉपी, क्योंकि मैं ऐसा मानता हूँ EIS ना एक टेक्निकल पेपर है, डिफिकल्ट नहीं है, टेक्निकल है. टेक्निकल चीज को समझाना तो बहुत कंफर्टेबल रहेगा, नहीं समझा तो वो टेंजेंट होके निकल जाएगा, और फिर उसके बाद हम जब रट के लिख रहे होंगे तो ह्यूमनली पॉसिबल ही नहीं है इतना बड़ा बड़ा बुक को, इतना टेक्निकल सब्जेक्ट्स को आप रट के लिख लो. आपको समझना होगा. समझने के टाइम में जहां बुक की लैंग्वेजेस थोड़ी टेक्निकल होगी, उसको सिंप्लीफाइड लैंग्वेजेस में मैं आपको लिखवाता चलूंगा. सो आई विल गिव यू एवरीथिंग दैट इज रिक्वायर्ड फॉर योर एग्जामिनेशन. जो शॉर्ट राइटअप्स होंगे, 1 लाइन स्क्रिबल्स होंगे, वो हम बुक में ही लिख रहे होंगे. कई सारे टॉपिक्स में हम लॉन्ग पैराग्राफ्स भी लिखवाएंगे आपको, वो हम कॉपी में नोट्स कर रहे होंगे. सो आइडियली यू शुड मेक अ सेपरेट कॉपी. आज नहीं है तो नोट्स में लिखते हैं, नेक्स्ट डे कॉपी में कॉपी कर लेते हैं. लेकिन आइडियली एक कॉपी अलग रखना. हमारे पास एक टॉपिक है फ्लो चार्ट बोलकर भी, ठीक है ना. फ्लो चार्ट्स प्रैक्टिकली ड्रॉ करना सिंस Jan 21 एग्जाम्स में नहीं आया है, ठीक है ना. Jan 22 से एग्जाम्स में नहीं आया, लेकिन इट इज एक्सपेक्टेड दैट इट मे कम. उसके पहले तो बहुत रेगुलरली आया हुआ है. सो
अगर आया हमें तो तैयार रहना है. सो वी विल डू सम फ्लो चार्ट के सम्स वगैरह भी क्लास के अंदर. प्लस एसएम में रिलेटिवली कम राइटअप्स होता है, ईआईएस में ही ज़्यादा राइटअप्स होता है. तो पतला वाला कॉपी बनाना, हाफ अ कॉपी भर जाएगा एटलीस्ट, बाकी नॉर्मल लॉस है. यू अंडरस्टैंड नॉर्मल लॉस, ठीक है ना. सो अपने उसको बाकी प्रैक्टिस वगैरह के काम में ले सकते हैं, मॉक टेस्ट वगैरह के काम में ले सकते हैं, लेकिन कॉपी अलग रहने से हेल्प होता है. वरना डेढ़ दिन में ना, कई सारे लोग तो होते हैं मंथ वाइज कॉपी बनाते हैं, ये अप्रैल का कॉपी, ये मई का कॉपी, ये जून का कॉपी, और फिर डेढ़ दिन के अंदर ट्रेजर हंट करना होता है कि कौन से कॉपी के कौन से पन्ने में कौन सा वाला नोट्स बनाया था. आपके नोट्स जितने सिस्टमैटिक होंगे ना, डेढ़ दिन उतना कंफर्टेबल बीतने वाला है. सो डू दिस फॉर ऑल सब्जेक्ट्स, मेक योर नोट्स प्रॉपरली, कंफर्टेबली, स्ट्रैटेजिकली. हम ईआईएस एसएम के लिए भी इसलिए सजेस्ट करते हैं, कॉपी अलग रहेगा तो आपके लिए कंफर्टेबल रहेगा, सारा नोट्स एक जगह रहेगा, ढूंढने का जरूरत अपने को नहीं पड़ रहा होगा. इसके सिवाय ईआईएस एसएम की क्लासेस में हम अपनी क्लासेस को ना दो मोड में रन करते हैं. जैसे आपके घर के जितने गुड नाइट होते हैं ना, वो दो मोड में आते हैं, एक्टिव मोड एंड डबल एक्टिव मोड. वैसे ही हमारी क्लासेस भी दो मोड में चलती है. सबसे पहले होता है डिस्कशन मोड. डिस्कशन मोड में सर फर्क ही नहीं पड़ता कि कोई टॉपिक एग्जाम में आया या नहीं आया. अगर अपने बुक में कोई टॉपिक है जहां से क्वेश्चन बन सकता है, लीव असाइड एग्जाम में आया या नहीं आया, वी विल डिस्कस. एंड डिस्कशन में कई बार हम आधे आधे घंटे तक एक डिस्कशन में चले जाएंगे जहां से हो सकता है एग्जाम में क्वेश्चन आया ही नहीं आज तक, लेकिन डिस्कशन होगा तो हम डिस्कस कर रहे होंगे डिटेल्स. यह है डिस्कशन मोड. लेकिन एक बार सर डिस्कस कर लिया ना, फिर हम आते हैं रीड एंड राइट मोड में. रीड एंड राइट मोड इज प्योरली एग्जाम ओरिएंटेड. एग्जाम के लिए सर यहां से 5 मार्क का क्वेश्चन आ सकता है, 5 मार्क के क्वेश्चन के लिए इतना कंटेंट चाहिए, जितना चाहिए उतना रीड करेंगे, जहां दरकार होगा राइट करेंगे, दैट्स इट. सो डिस्कशन के दौरान हम सब सुन रहे हैं, समझ रहे हैं, इंजॉय कर रहे हैं, फन फिल्ड लर्निंग्स होने वाला है. लेकिन एक बार डिस्कशन खत्म हुआ ना, तो प्योरली एग्जाम ओरिएंटेड जितना रीड एंड राइट करना है उतना कर रहे हो. दैट्स हाउ वी कंटिन्यू इन आवर डिस्कशंस. तो जब डिस्कस करें, यू हैव टू कीप पार्टिसिपेटिंग, बिकॉज वर्चुअल वाले आपके पास भी ऑप्शन नहीं है कि आप मौन रह सकेंगे, देयर इज डाउट रिच नहीं है. यू हैव टू पार्टिसिपेट, द क्लासेस हैव टू बी टू वे. So you have to keep replying to me, whether you reply, unmute an answer to me, whether you raise a hand, whether you type in the chat, you have all the various modes of connecting with me, but you will also have to reply, and physical live वालों के पास तो option ही नहीं है, ठीक है ना. So हम obviously interact करेंगे, because I need to be sure that I'm talking to live people and not zombies here, and I must know that आपने camera off करके सो नहीं गए हैं, morning वाले में ये भी risk होता है, ठीक है ना. तो आप एक्चुअली ध्यान दे रहे हैं, हमें ये भी इंश्योर करना रहता है. सो आई विल कीप आस्किंग क्वेश्चंस, इंटरैक्टिंग विद यू, डिस्कस करेंगे हर टॉपिक को ना. हम डिस्कस करते टाइम पहले आपसे समझते हैं आपको उसके बारे में क्या पता है, और फिर हमें जो थोड़ा बहुत एक्स्ट्रा पता होता है, हम अपना कॉन्ट्रीब्यूशन आपको दे रहे होते हैं. दैट्स हाउ वी डिस्कस. डिस्कशन में राइट या रॉन्ग से फर्क नहीं पड़ता, इट्स अ डिस्कशन, एवरीबडी कॉन्ट्रीब्यूट्स वॉट एवर कम्स टू योर माइंड. हम फ्रीली डिस्कस करते हैं चीज़ों को, और फिर थोड़ा बहुत जो अपने को एग्जाम पर्सपेक्टिव समझना होता है, मैं समझाता हूँ, लिखवाता हूँ. दैट्स हाउ वी कनेक्ट एंड डिस्कस इन द क्लासेस. नाउ अभी हम टॉपिक की तरफ धीरे धीरे बढ़ेंगे, बट टॉपिक्स शुरू करने के भी पहले, सबसे पहले आज के सेशन हम ऑब्वियसली ईआईएस के साथ शुरू करेंगे. सो व्हेन वी आर गोना स्टार्ट अप विद ईआईएस, there are few things that I want to discuss with you. Even before I start off with any chapter, the first thing I want to discuss with you is the name of the book. And usse bhi pehle, logon ke mind mein na sir ek doubt aata hai. Kuch log pehli class mein pooch lete hain, kuch log second, third class tak aake mere se poochte hain. Sir, ek baat bataiye na. Sir, ye EIS kyun? Sir, hum CA karne nikle the. रस्ते में सर कॉस्ट आया, लॉजिकली समझ में आया, टैक्स और फिनेंस आया, रिलेट भी कर पाए, इंटरेस्ट भी आया, लॉ और ऑडिट भी आया तो समझ में आया, लेकिन सर ये ईआईएस क्यों, व्हाई आर वी स्टडिंग ईआईएस? सो प्रैक्टिकली जस्ट टू मेक यू अंडरस्टैंड, यू नो इन योर लाइफ व्हाट एवर यू डू इट इज समहाउ आईटी रिलेटेड इन टूडेज वर्ल्ड. आज के जमाने में आपका गुड मॉर्निंग फेसबुक पे होता है, व्हाट्सएप पे होता है, गुड नाइट इंस्टाग्राम या टेलीग्राम पे होता है, और इन बुक से ग्राम के बीच में जब आपका पूरा दिन बीतता है, उसके बीच में अ लॉट ऑफ एक्टिविटीज दैट वी डू इज डिपेंडेंट ऑन मोबाइल फोन्स, ऑन लैपटॉप्स, ऑन कंप्यूटर्स, ऑन डेस्कटॉप्स एंड टैबलेट्स, ऑन आईटी, ऑन टेक्नोलॉजी.
And if you have to use it for your life, why not understand and then use it? That's the objective. जब use करना ही है तो क्यों ना समझें और फिर उसको और बेहतर तरीके से use करें. बिजनेस में आज के दिन में जो भी काम होते हैं आप अगर समझो तो डायरेक्टली इनडायरेक्टली सब आईटी रिलेटेड आईटी डिपेंडेंट होता जा रहा है. हम फाइलिंग ऑफ रिटर्न सारा ई फाइलिंग करते हैं, हम बुक्स ऑफ अकाउंट्स एक्सेल वगैरह में टैली वगैरह में इलेक्ट्रॉनिकली मेंटेन करते हैं, हम बिजनेस का सारा आज के दिन में ई कॉमर्स ट्रांजैक्शंस ऑनलाइन होता है, सब काम बिजनेस डायरेक्टली इनडायरेक्टली अब धीरे धीरे ऑनलाइन करने लगा, ई इलेक्ट्रॉनिक वर्ल्ड में करने लगा. तो अगर बिजनेस का सारा काम इलेक्ट्रॉनिकली होने वाला है तो बिफोर यू गो एंड स्टार्ट वर्किंग इन बिजनेसेस, बिफोर यू स्टार्ट गो एंड डू ऑडिट ऑफ बिजनेसेस, यू मस्ट अंडरस्टैंड दिस आईटी वर्ल्ड अ लिटिल एंड दैट्स द रीजन ऑफ डूइंग दिस ईआईएस सब्जेक्ट. प्लस ईआईएस में हम बहुत सारे ऑडिट ऑफ इंफॉर्मेशन सिस्टम सीखेंगे. आपने ऑडिट वर्ड सुना है? ओके, ऑडिट वर्ड, व्हाट डज ऑडिट मीन पता है? व्हाट? ओके, इंडिपेंडेंट एग्जामिनेशन ऑफ फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन. ओके, वर्चुअल वाले हैं, कनेक्ट कर पा रहे हैं ना? ऑडिट में इंडिपेंडेंट एग्जामिनेशन ऑफ फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन, सुना सुना लग रहा है ऐसा लाइन? टू गिव अ ट्रू एंड फेयर व्यू, ठीक है ना, मटीरियलिटी. बट प्रैक्टिकली सोचो, क्या सच में आपने ऑडिट में अगर सुना हो, क्लासेस शुरू हुई होगी थोड़ी बहुत, तो बहुत सारे टाइप के ऑडिट होते हैं. कॉस्ट ऑडिट होता है, टैक्स ऑडिट होता है, मैनेजमेंट ऑडिट होता है, कंप्लायंस ऑडिट होता है, सिस्टम ऑडिट होता है. और क्या इन सब में भी इंडिपेंडेंट एग्जामिनेशन ऑफ फाइनेंशियल सिस्टम्स होता है, फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन होता है? Management audit is not independent examination of financial information. System audit is not independent examination of financial information. Problem क्या है? हमने audit मतलब financial audit बचपन से रटा हुआ होता है. बचपन मतलब जब से सुना होता है. So audit तो कोई भी चीज का audit हो सकता है. उनमें से एक type का audit होता है system audit. And system का audit भी हम जैसे auditors, sir हम discuss करेंगे कैसे, but हम. तो अगर एक सिस्टम का ऑडिट करना हो तो उसके लिए पहले सिस्टम को तो समझना पड़ेगा, और सिस्टम का थोड़ा बहुत नॉलेज इस ईआईएस सब्जेक्ट से आपको मिलने वाला है. सो प्रैक्टिकली, क्योंकि आपके पर्सनल लाइफ में, आपके बिजनेस के लाइफ में, कॉर्पोरेट लाइफ में, यहां तक कि ऑडिट के लाइफ में सिस्टम्स बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करने वाले, एंड हेंस द सब्जेक्ट ईआईएस, Enterprise Information Systems. सर लेकिन अगर सच्ची में इतना ही इंपॉर्टेंट है जितना आप बोल रहे हैं, तो फिर एक बात बताइए, ये सब्जेक्ट हट रहा क्यों है? नए वाले सिलेबस में तो सर हट रहा है ये. सो why then? सो प्रैक्टिकली आई विल गिव यू अ वेरी रियलिस्टिक आइडिया. ऐसा नहीं है कि ये सब्जेक्ट इंपॉर्टेंट नहीं है, बट हाँ, ICAI was very clear that they wanted to reduce the syllabus for the students, because obviously art subject बहुत heavy, difficult होते जा रहे थे students के लिए. तो उन्होंने inter and final दोनों level पे art subject को 6 subject करने का कोशिश किया and plan किया. And with that reason they obviously eliminated certain subjects. Obviously जब art का 6 करना होगा तो कौन सा हटेगा? जो relatively less important होगा. Relatively, ऐसा नहीं कि वो important नहीं है, but relatively less important होगा वो हटेगा. And that is how EIS has to pave the way. वरना सोचो ना, CA final level से costing हट रहा है, SEMP. अब ऐसा थोड़ी ना कि costing subject important नहीं है, definitely important है, लेकिन CA final के 6 subject में से उसको हटाया जा रहा है. The reason being, obviously if you understand, कि अपने 6 रख सकते हैं, so top 6 has to stay. And that is how we will have to eliminate certain important, but relatively less important subjects. And that's why EIS is going to be paving the way in the future. However, जब तक है इट्स इंपॉर्टेंट. एग्जाम perspective भी अपने लिए रेलिवेंट है, इंपॉर्टेंट है. नॉलेज perspective भी अपने लिए रेलिवेंट है, इंपॉर्टेंट है, क्योंकि कहीं ना कहीं अपने लिए काम आने वाला है. तो ऑब्वियसली सिलेबस में है तो भी पढ़ना है, बट नॉलेज पर्सपेक्टिव भी बहुत काम में आने वाला है. और हम तो क्लास में रियल लाइफ एग्जाम्पल्स के साथ ही पढ़ेंगे कि कहाँ ये टेक्नोलॉजी, कहाँ ये सिस्टम्स कैसे एक्चुअली काम में आते हैं, कहाँ इनको हम यूज में ले सकते हैं, एंड दैट इज हाउ वी विल अंडरस्टैंड दीज सिस्टम्स इन अ बेटर मैनर. ओके, नाउ एंटरप्राइज इंफॉर्मेशन सिस्टम EIS. अभी भी मैं सिर्फ सब्जेक्ट का नाम डिस्कस कर रहा हूं आपके साथ, द वंस हु आर वर्चुअली कनेक्टिंग इन नाउ, ठीक है ना? हम अभी भी सिर्फ आपके साथ बुक का नाम डिस्कस कर रहे हैं, बट जस्ट टू अंडरस्टैंड.
What does the word enterprise mean? So you can always communicate with me, virtuals wale also. What does the word enterprise mean? Go ahead, whatever comes to your mind, right wrong se farak nahi padta, hum sirf discussions kar rahe hain, theek hai na? Yeah, so enterprise. Okay. Entity, company. Okay. Virtuals. Haji Madhusudan. Any business house. Okay. Others. Shefali, Yash, Shashank. Anyone. What is an enterprise? Simple question. Somebody said entity, business house. Enterprise means, yep, okay, enterprise means any entity carrying on business activities. Simple. कोई भी वो एंटिटी जो बिजनेस एक्टिविटीज कंडक्ट कर रहा होगा, दैट विल बी कॉल्ड अ एंटरप्राइज, वेदर फॉर प्रॉफिट और नॉट फॉर प्रॉफिट. बट एनी एंटिटी कैरिंग आउट बिजनेस एक्टिविटीज, कॉमर्शियल एक्टिविटीज विल बी कॉल्ड एन एंटरप्राइज. वॉट डज द वर्ड इंफॉर्मेशन मीन? वॉट डज द वर्ड इंफॉर्मेशन मीन? ओके, डेटा which go ahead jo bhi aa raha hai bol. Which is stored for future purpose. Okay, yeah, data which is useful for commercial purpose. Okay, इन्फॉर्मेशन पूछा था, एक वर्ड बार बार आ रहा था, सो मेरे मन में भी एक क्वेश्चन बार बार आ रहा है, व्हाट इज डेटा? सर आप तो इंग्लिश टेस्ट शुरू कर दिए सर, हमने एक वर्ड का आंसर दिया, आप एक और क्वेश्चन वहीं से उठा लेते हैं. व्हाट इज डेटा? ऐसे व्हाट एवर कम्स टू योर माइंड. वर्चुअल वाले, व्हाट इज डेटा? Past or future day-to-day activities that is stored will be called a data. Okay. Yeah. Any activity data. What is data? Data is a collection of raw facts. Okay. Any रॉ फैक्ट्स. एक एग्जाम्पल देते हैं आपको, बहुत इंटरेस्टिंग है ये एग्जाम्पल, मैं अपनी क्लासेस में 2-3 बार दूंगा, आगे की क्लासेस में भी आएंगे, तो इसको एग्जाम्पल को ध्यान से सुनना. लेट्स से आई हैव अ स्कूल एंड इन द स्कूल वी हैव 1000 स्टूडेंट्स. ओके, एक स्कूल है और स्कूल में 1000 बच्चे हैं, एंड फॉर ईच ऑफ दीज 1000 स्टूडेंट्स आई कैन हैव 500 फैक्ट्स एंड फिगर्स. उनका 365 डेज का अटेंडेंस, फादर्स नेम, मदर्स नेम, एड्रेस, डेट ऑफ बर्थ, आई कैन हैव 500 फैक्ट्स एंड फिगर्स. 1000 बच्चे, 500 फैक्ट्स एंड फिगर्स, आई हैव गॉट लैक्स ऑफ फैक्ट्स एंड फिगर्स. आर यू विद मी टिल हियर? उनका 365 डेज का अटेंडेंस है, फादर्स नेम है, मदर्स नेम है, डेट ऑफ बर्थ है, 1000 बच्चों के लिए लाखों डेटा है मेरे पास. इन लाखों डेटा से Can I draw any meaningful conclusions? Yes or no? सोचो, क्या कुछ conclusions हम draw कर सकते हैं, निकाल सकते हैं? Yes या no? Yes or no? Yes? Okay. So what kind of conclusions? Example. Average height of the students. Okay, very good. What else?
एवरेज मार्क्स ऑफ स्टूडेंट्स निकाल सकते हैं. ओके, व्हाट एल्स? परफॉर्मेंस इन टर्म्स ऑफ मार्क्स. ओके, वर्चुअल वाले, व्हाट काइंड ऑफ इंफॉर्मेशन कैन आई ड्रॉ फ्रॉम दिस लैक्स ऑफ डेटा ऑफ लैक्स ऑफ फैक्ट्स एंड फिगर्स अबाउट स्टूडेंट्स? What kind of meaningful conclusions? What else can we draw? Average height बोला किसी ने, average marks बोला, performance बोला, और क्या क्या चीजें find out कर सकते हैं? Personal details जैसे कि name, phone number वगैरह. Okay. अगर किसी का parents call करना हो तो. Okay. I can find out attendance, regularity of the students. I can find out fees pending. School hai, CA ban rahe hain, commerce, itna to us line mein bhi to sochna hai. Fees paid, unpaid wala part. I can find out co-curriculars mein kitna active hai bachcha. So there are a lot of facts and figure, there are a lot of conclusions that I can draw. But in its bare form, इस लैक्स ऑफ फैक्ट्स एंड फिगर्स से कोई भी मीनिंगफुल कंक्लूजन नहीं निकल सकता. सर क्यों? अभी तो इतने सारे ऑप्शंस आप दे रहे थे, हम लोग डिस्कस कर रहे थे. इन इट्स बेड फॉर्म इस लैक्स ऑफ फैक्ट्स एंड फिगर्स से कोई भी मीनिंगफुल कंक्लूजन नहीं निकल सकता बिकॉज इसमें कुछ फैक्ट्स एंड फिगर्स तो अल्फाबेटिक फॉर्मेट में है, नाम वगैरह. कुछ फैक्ट्स एंड फिगर्स तो न्यूमेरिक फॉर्मेट में है, मार्क्स वगैरह. कुछ फैक्ट्स एंड फिगर्स तो डेट फॉर्मेट में है, डेट ऑफ बर्थ वगैरह, DDMM YY या YY YY, खाने वाला नहीं, YY. कुछ फैक्ट्स एंड फिगर्स तो खाली प्रेजेंट एब्सेंट फॉर्मेट में है, फॉर एग्जांपल अटेंडेंस. इन इट्स बेयर फॉर्म इस लैक्स ऑफ फैक्ट्स एंड फिगर्स से मीनिंगफुल कंक्लूजन नहीं निकल सकता. मुझे पहले इसको प्रोसेस करना पड़ेगा, मुझे पहले इसको प्रोसेस करना पड़ेगा. इररेलेवेंट कॉलम्स को रिमूव करेंगे, रेलेवेंट कॉलम को सेलेक्ट करेंगे, एंड देन यूजिंग दैट रेलेवेंट कॉलम आई कैन कैलकुलेट सर्टेन थिंग्स. बट पहले इसको प्रोसेस करना पड़ेगा. इस लैक्स ऑफ फैक्ट्स एंड फिगर्स से डायरेक्टली मीनिंगफुल कंक्लूजन्स नहीं निकलेगा. इररेलेवेंट कॉलम को हटा के, रेलेवेंट कॉलम को सेलेक्ट करके, फिर वहां से हम कुछ कैलकुलेशंस करके कुछ डिराइव कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए पहले प्रोसेस करना पड़ेगा. डेटा इज अ कलेक्शन ऑफ रॉ फैक्ट्स एंड फिगर्स जिससे कुछ भी मीनिंगफुल कंक्लूजन नहीं निकल सकता. यू नाउ गेटिंग द वर्ड्स? Data is a collection of raw facts and figures जिससे कुछ भी meaningful conclusion नहीं निकल सकता. हम लोग data को जब process करते हैं, then it gets converted into information. Data को process करते हैं, then it gets converted into information, and information helps us in decision making. Information helps us in डिसीजन मेकिंग. इंफॉर्मेशन के बेसिस पे हम कुछ ना कुछ डिसीजन ले पाते हैं अपने लाइफ में. सो डेटा को प्रोसेस करने से इंफॉर्मेशन बनता है. डेटा इज लाइक रॉ सब्जी, इंफॉर्मेशन इज लाइक पाव भाजी. सर सुबह सुबह खाने का बात मत करिए सर. ओके, डेटा को प्रोसेस करेंगे तब इंफॉर्मेशन बनता है, लेकिन डेटा से डायरेक्टली कुछ भी इंफॉर्मेशन नहीं निकल सकता. यहां तक समझ में आ रहा है क्या? एंटरप्राइज इंफॉर्मेशन सिस्टम, हम अभी खाली बुक का नाम बता रहे हैं आप लोगों को. एंटरप्राइज यानी हमने कहा एक एंटिटी जो बिजनेस एक्टिविटीज कंडक्ट कर रहा होगा. हमने कहा इंफॉर्मेशन क्या होता है? इट इज अ कलेक्शन ऑफ रॉ, इट इज अ कलेक्शन ऑफ फैक्ट्स एंड फिगर्स दैट हैज बीन प्रोसेस्ड जिससे हम कुछ मीनिंगफुल कंक्लूजन्स निकाल पाएंगे, जिसके बेसिस पे हम डिसीजंस ले पा रहे हैं. ओके, नेक्स्ट द थर्ड वर्ड इज सिस्टम. अभी तक हमसे बुक का नाम डिस्कस कर रहे हैं एवरीवन, एंटरप्राइज इंफॉर्मेशन सिस्टम. सो व्हाट डज द वर्ड सिस्टम मीन, ये डिस्कस करेंगे. लेकिन उसके लिए सबसे पहले सिस्टम वर्ड सुनते ही सबसे पहला एग्जांपल जो आपके माइंड में आए, शूट, लॉ सिस्टम. ओके, सिस्टम वर्ड सुनते ही सबसे पहला एग्जांपल जो आपके माइंड में आता है, एग्जांपल. गवर्नमेंट बोल रहे हैं मधुसूदन, क्या बोल रहे थे? गवर्नमेंट इज अ सिस्टम, या ओके, अग्रीड.
What else? Others? Yeah. Example. That is systematic. Education system, Shashank. Okay, heard your voice. Education system, sir. Uske bhi naam mein system hai. Okay. बड़ा बड़ा सोच रहे हैं. गवर्नमेंट, एजुकेशन सिस्टम, लीगल सिस्टम. ओके, व्हाट एल्स? कंप्यूटर सिस्टम. ओके, हर्ड इट टुगेदर. आयुष ने भी बोला, शशांक ने भी बोला. ओके, कंप्यूटर सिस्टम. सर कंप्यूटर भी सिस्टम तो है डेफिनेटली. ओके, व्हाट एल्स? थिंक नाउ, यू थिंकिंग. और क्या एग्जांपल माइंड में आता है? बोलो, शूट. एंटरप्राइज, वो तो सी से सीखना है अपने को. एंटरप्राइज इंफॉर्मेशन सिस्टम. व्हाट इज सिस्टम? एग्जांपल्स. लुक अराउंड यू, द वर्ल्ड इज फुल ऑफ सिस्टम्स. इज ह्यूमन बॉडी अ सिस्टम? यस और नो? यस. इज एसी अ सिस्टम? यस. इज द ऑब्वियसली कंप्यूटर, मोबाइल फोन अ सिस्टम? Yes. System is a process of doing something. Shatadeep, that is systematic process of doing something. System ke examples ka baat kar rahe hain apne. So the word system can be used in different parlance, in different context. But apne system word as a thing ka examples pooch rahe hain. So government system ka baat kiya, education system ka baat kiya, computer ka baat kiya, mobile phones, AC, human body. सर और नाम पे जाए तो सर म्यूजिक सिस्टम, उसके भी नाम में सिस्टम है. और सर नाम पे ही जाना है तो सर डाइजेस्टिव सिस्टम, द प्लेस वे वी स्टार्ट थिंकिंग फ्रॉम. सर और अगर नाम पे ही जाना है तो सर बड़ा सोचते हैं ना, सोलर सिस्टम, नाम में ही सिस्टम है. लेट्स ट्राई एंड डिराइव द डेफिनेशन ऑफ द वर्ड सिस्टम फ्रॉम द एग्जाम्पल्स. आई टेक फ्यू एग्जाम्पल्स. लेट्स से एजुकेशन सिस्टम, कंप्यूटर, मोबाइल फोन, ह्यूमन बॉडी एंड सोलर सिस्टम. एग्जाम्पल्स रख रहे हैं, ठीक है, एकदम वेराइटी ऑफ एग्जाम्पल्स. इन सब में क्या कॉमन है, वहां से सिस्टम वर्ड का डेफिनेशन डिराइव करेंगे. बोला सर इन सब में बहुत सारे पार्ट्स होते हैं, कंप्यूटर में, ह्यूमन बॉडी में, सोलर सिस्टम में. ये अलग अलग पार्ट्स आपस में जुड़े हुए होते हैं. They're all connected to each other. चाहे नर्व से कनेक्टेड हो, चाहे वायर से कनेक्टेड हो, चाहे कोई ग्रेविटेशनल पुल से कनेक्टेड हो, बट दे आर ऑल कनेक्टेड टू ईच अदर. बहुत सारे टुकड़े होंगे, कॉम्पोनेंट्स, पार्ट्स, जो आपस में जुड़े हुए होंगे, इंटर रिलेटेड, इंटर डिपेंडेंट होंगे, आपस में एक दूसरे पर डिपेंडेंट होंगे. थिंक ऑफ कंप्यूटर के पार्ट्स, दे आर ऑल इंटर डिपेंडेंट. थिंक ऑफ ह्यूमन बॉडी का पार्ट्स, दे आर ऑल इंटर डिपेंडेंट. एंड दे ऑल वर्क टूगेदर फॉर अ कॉमन ऑब्जेक्टिव, पर्पस और गोल. ये सारे जुड़े हुए टुकड़े मिलकर काम करते हैं फॉर अ कॉमन टारगेट, पर्पस, ऑब्जेक्टिव और गोल. तो इन टुकड़ों को हम सिस्टम बोलते हैं. तो सर सिंपल भाषा में बोले तो कैनवी से वो टुकड़े जो आपस में जुड़े हुए हैं, इंटरडिपेंडेंट हैं, इंटर रिलेटेड हैं एंड मिलकर काम करते हैं फॉर अ कॉमन पर्पस, उनको हम सिस्टम बोलेंगे. आर यू गेटिंग दिस? इसी को अगर इंग्लिश में मैं लिखवा दूंगा, सुनना. A system is a set of components that are interdependent, interrelated, that operate collectively, milkar kaam karte hain, for a common purpose or goal. Those are going to be called a system for us. To koi bhi system wo tukde hain jo milkar kaam karenge, interdependent, interrelated honge, apne liye ek common objective ke liye kaam kar rahe hain. To sir system to samjha sir, what is information system? Information system kya hoga? Sir data ko प्रोसेस करने से इंफॉर्मेशन बनता है, और वो सिस्टम जो डेटा को इंफॉर्मेशन में कन्वर्ट करेगा, दैट सिस्टम विल बी कॉल्ड अ इंफॉर्मेशन सिस्टम. सिस्टम तो कोई भी सिस्टम हो गया जो कुछ ना कुछ कन्वर्जन करेगा, कुछ ना कुछ प्रोसेसिंग कर रहा होगा. तो वो सिस्टम जो डेटा को इंफॉर्मेशन में कन्वर्ट करेगा, दैट विल बी कॉल्ड इंफॉर्मेशन सिस्टम. इंफॉर्मेशन सिस्टम का बेस्ट एग्जाम्पल विल बी अ कैलकुलेटर. आप कैलकुलेटर में टाइप करते हैं, 2+2 वो आउटपुट देता है, सोच रहे हैं 4, ठीक है ना. ये 2+2 इज डेटा, 4 इज इंफॉर्मेशन.
एंड कैलकुलेटर वॉज एन इंफॉर्मेशन सिस्टम फॉर अस. एकदम सिंपल एग्जाम्पल से सीख रहे हैं. इंफॉर्मेशन सिस्टम क्या होता है? डेटा को इंफॉर्मेशन में कन्वर्ट करता है. सो एकदम बेयर मिनिमम में हमने 2+2 जो एंटर किया वो डेटा था, उसने प्रोसेस करके हमें 4 दिया, ये इंफॉर्मेशन था. इवन अ कैलकुलेटर इज एन इंफॉर्मेशन सिस्टम. लेकिन सर कैलकुलेटर तो हम एग्जाम में भी काम में लेते हैं. वो इंफॉर्मेशन सिस्टम जो बिजनेस के काम में आए, जो बिजनेस का डे टू डे एक्टिविटीज कंडक्ट करने में हेल्प कर रहा हो, उस सिस्टम को पता है क्या बोलेंगे? आपकी बुक का नाम एंटरप्राइज इंफॉर्मेशन सिस्टम. सो व्हाट इज एंटरप्राइज इंफॉर्मेशन सिस्टम? सर इट्स एन इंफॉर्मेशन सिस्टम दैट विल बी यूज्ड फॉर बिजनेस पर्पसेस. व्हाट इज एन इंफॉर्मेशन सिस्टम? सर इट्स अ सिस्टम दैट विल कन्वर्ट डेटा इनटू informations. So what is a system? It's a set of components that are connected and that work together for a common goal. समझ में आ रहा है? एक-एक word को breakdown करके सीख रहे हैं हम लोग. That's the level that we go into. So what is enterprise information system? बोला सर वो कोई भी information systems जो data को process करके information बना के देगा और business के काम में आ रहा होगा. Best example, आपने tally का नाम सुना है? Tally is an accounting information system, but it's an information system. It's an enterprise information system. Because tally क्या करता है? हम जो I'm sure आप CA कर रहे हैं, इंटर तक पहुंचे हैं, तो आप इतना समझते होंगे कि अगर मैं को कोई भी ट्रांजैक्शन को प्रोसेस करना है तो ट्रांजैक्शन का जर्नल होता है, फिर लेजर होता है, फिर ट्रायल बैलेंस होता है, फिर PL बैलेंस शीट फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स होता है. लेकिन अगर एक टैली होगा तो मैं खाली ट्रांजैक्शन का एंट्री करूंगा, उसका जर्नल लेजर ट्रायल पीएल बैलेंस शीट सब कुछ टैली बना के रेडी कर देता है. आर यू गेटिंग दिस? तो बोला सर टैली इज अ एंटरप्राइज इंफॉर्मेशन सिस्टम जो क्या करता है, मेरे रॉ ट्रांजैक्शन के डेटा को पूरे पीएल बैलेंस शीट तक रेडी करके दे देता है. आर यू गेटिंग दिस? सो इट्स एन एंटरप्राइज इंफॉर्मेशन सिस्टम. एग्जाम्पल्स बैक ऑफ द माइंड क्लियर होगा ना, तो जब टॉपिक के अंदर भी जाएंगे तो हमें एक आइडिया होगा हम पढ़ क्या रहे हैं. सो व्हेन आई टॉक अबाउट एंटरप्राइज इंफॉर्मेशन सिस्टम सर, इट्स गॉन्ट बी लाइक अ सिस्टम, इट्स गॉन्ट बी एनी सिस्टम जो बिजनेस के काम में आ रहा होगा. सिंपल एग्जाम्पल टैली, जो बिजनेस के डेटा को प्रोसेस करके पूरा पीएल बैलेंस शीट बनाने में हेल्प कर रहा होगा. आर यू गेटिंग ऑल दिस? नाउ एंटरप्राइज इंफॉर्मेशन सिस्टम, ये वर्ड सीखा हम लोगों ने. डेटा क्या होता है सीखा, इंफॉर्मेशन क्या होता है सीखा हम लोगों ने, प्रोसेसिंग क्या होता है सीखा हम लोगों ने. यू वेरी क्लियर विद दीज वर्ड्स दैट वी हैव डिस्कस सो फार? एवरीवन, या वर्चुअल्स क्लियर है ना? ओके, सो व्हाट वी डू इज वी विल फर्स्ट राइट डाउन व्हाट वी हैव डिस्कस दस फार. पहले थोड़ा बहुत लिखते हैं फिर आगे बढ़ेंगे, ठीक है ना? सो आउट विद योर कॉपीज प्लीज. वर्चुअल्स हैव अ फ्रेश कॉपी, फ्रेश पेज. ओके प्रीतम, ग्रेट. फ्रेश पेज, गिव अ हेडिंग EIS बेसिक कॉन्सेप्ट्स. EIS बेसिक कॉन्सेप्ट्स, उसके नीचे पॉइंट नंबर 1 डेटा. पॉइंट नंबर 1 डेटा, उसके सामने लिखना डेटा इज अ कलेक्शन ऑफ रॉ फैक्ट्स एंड फिगर्स. Data is a collection of raw facts and figures from which no meaningful conclusions can be derived. Data is a collection of raw facts and figures from which no meaningful conclusions can be derived. From which no meaningful conclusions can be derived. Next line, point number 2, information.
इंफॉर्मेशन, उसके सामने लिखना प्रोसेस्ड डेटा इज कॉल्ड इंफॉर्मेशन, प्रोसेस्ड डेटा इज कॉल्ड इंफॉर्मेशन। इंफॉर्मेशन हेल्प्स अस इन इंफॉर्मेशन हेल्प्स अस इन डिसीजन मेकिंग, इंफॉर्मेशन हेल्प्स अस इन डिसीजन मेकिंग फुल स्टॉप। मीनिंगफुल कंक्लूजन्स, मीनिंगफुल कंक्लूजन्स कैन बी ड्रॉन फ्रॉम इंफॉर्मेशन, मीनिंगफुल कंक्लूजन्स कैन बी ड्रॉन फ्रॉम इंफॉर्मेशन। Meaningful conclusions can be drawn from information. Okay, next line. Point number three. System. System. A system is a set of components. A system is a set of components that are interdependent. A system is a set of components that are interdependent, interrelated. A system is a set of components that are interdependent, interrelated, operate collectively, operate collectively. Towards a common purpose or a goal. Operate collectively towards a common purpose or a goal. Okay. Next line. Data processing slash information processing. Data processing slash information processing. The processes and procedures by which, the processes and procedures by which, the processes and procedures by which raw data is converted into information. The processes and procedures by which raw data is converted into information is called data processing. Slash information processing. Is called data processing slash information processing. Next line, point number four. Five na? Okay. Information system. Okay, ये लिख के रखना, आप समझ गए क्या? फोर्थ लेयर में हमने डेटा प्रोसेसिंग इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग वर्ड यूज किया. दीज आर यूज इंटरचेंजेबली. और ये मैं क्यों लिखवा के भी रख रहा हूं समझ के रखो, अपने जब बुक में जाएंगे ना
हर चैप्टर में ये वर्ड्स आएंगे ही आएंगे, डेटा प्रोसेसिंग, इन्फॉर्मेशन प्रोसेसिंग सिस्टम, एंड आई डोंट वांट कि हम ये वर्ड्स में खो जाए, बिकॉज हमारा ऑब्जेक्टिव ये वर्ड्स नहीं होगा, एक बड़ा चीज समझना होगा। लेकिन जब ये वर्ड्स ऐसे दस्त आते जो नहीं समझ में आते ना, तो हम वर्ड्स में खो जाते हैं और मेन मतलब ही लूज कर जाते हैं। इसलिए ये लिखा हुआ होगा, जहां ये तो जर्नी शुरू हुई है, 2 महीना 2.5 महीना क्लासेस करेंगे, 6 महीना प्रिपेयर करेंगे, बीच में कई बार ऐसा मोड आ सकता है जहां एक वर्ड पे अटक गए, कोई नहीं, लिखा हुआ होगा, क्लियर रहेगा, कंफर्टेबल रहेगा। डेटा प्रोसेसिंग और इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग, ये वर्ड्स इंटरचेंजेबली यूज होता है। सो ये डेटा को इंफॉर्मेशन में कन्वर्ट करना, इसको कई बार डेटा प्रोसेसिंग भी बोलते हैं, कई बार इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग भी बोलते हैं, इंटरचेंजेबली ये वर्ड यूज किया गया है अपने बुक के अंदर। ओके, लिखना इंफॉर्मेशन सिस्टम, नेक्स्ट वर्ड, पॉइंट नंबर 5, इंफॉर्मेशन सिस्टम। The system that does data processing. The system that does data processing and converts raw data into information. The system that does data processing and converts raw data into information the system that does data processing and converts raw data into information will be called information systems will be called information systems Okay, full stop, next line. In case of information system, there is GIGO concept. In case of information system, there is GIGO concept. GIGO. What is GIGO concept? Anyone ever heard of this word GIGO concept? Suna? Okay, garbage in, garbage out. Full form to sahi bola Shashank. But hota kya hai ye garbage garbage? Absolutely correct. Very good. जैसे हिंदी में बोलते ना, जैसी करनी वैसी भरनी, इंग्लिश में बोलते हैं एज यू सो सो शैल यू रीप। तो बोला द क्वालिटी ऑफ इनपुट डिटरमाइंस द क्वालिटी ऑफ आउटपुट। आप दुनिया का सबसे बढ़िया गन्ने का जूस का मशीन लगाना, लेकिन अगर उसमें सड़ा हुआ गन्ना डालोगे तो जूस सड़ा हुआ ही निकलेगा। तो इंफॉर्मेशन सिस्टम कितना ही अच्छा हो, लेकिन अगर आपका डेटा बेस खराब है तो इंफॉर्मेशन खराब ही निकलेगा। लॉजिक समझ में आ रहा है क्या? इंफॉर्मेशन सिस्टम में GIGO कॉन्सेप्ट है, यानी सिस्टम कितना भी अच्छा हो वो कैसा काम करेगा ये डिपेंड करेगा डेटा कैसा आ रहा है। द क्वालिटी ऑफ इनपुट विल डिटरमाइन द क्वालिटी ऑफ आउटपुट एंड द क्वालिटी ऑफ डेटा विल डिटरमाइन द क्वालिटी ऑफ इंफॉर्मेशन। ये GIGO कॉन्सेप्ट है, समझ में आ रहा है क्या? इनपुट पे आउटपुट डिपेंड करता है। सिस्टम चाहे कितना ही अच्छा हो, घटिया डेटा को अच्छा डेटा नहीं बना सकता है। जैसा डेटा होगा वैसा ही इंफॉर्मेशन निकल रहा होगा। आई बी वेरी क्लियरली गेटिंग दिस? GIGO कॉन्सेप्ट लिखना। इन केस हमने क्या लिखा, इन केस ऑफ इंफॉर्मेशन सिस्टम देयर इज GIGO कॉन्सेप्ट। पहले फुल फॉर्म लिख लो वहां पे, गार्बेज इन गार्बेज आउट। Garbage in, garbage out. Bracket close, full stop. This means that the quality of input determines the quality of output.
This means that the quality of input determines the quality of output. And the quality of data will determine the quality of information. Clear हो रहा है? ये को कॉन्सेप्ट. ओके, नेक्स्ट लाइन. एक मिनट लेके पहले ये डायग्राम को कॉपी करते हैं. ये डायग्राम पे मैंने क्या किया, समराइज कर दिया पूरा का पूरा जितना डिस्कशन हम लोगों ने अभी तक किया. डेटा प्रोसेस होने से इंफॉर्मेशन बनता है, इंफॉर्मेशन हेल्प्स इन डिसीजन मेकिंग, एंड दिस प्रोसेसिंग इज डन थ्रू इंफॉर्मेशन सिस्टम. गीको कॉन्सेप्ट ऑब्वियसली वर्ड नहीं लिखने का दरकार है, बट अदर देन दैट दिस इज समराइजिंग व्हाट वी हैव डिस्कस्ड दस फार. फटाफट पहले इसको कॉपी कर लेते हैं. Done. Virtual people, talk करके finish करो. Okay. Others, free hand draw करना. कुछ लोग होते हैं scale pencil लेके शुरू हो जाते हैं, ठीक है ना. Normal draw करना है, scale pencil मत लेके शुरू हो जाना. Okay, Shatadeep. ओके, बाकी लोग डन. यश, शिफाली, शांग, प्रीतम, मधुसूदन, एवरीवन. ओके शिफाली, ओके ओके. नेक्स्ट, डेटा, इंफॉर्मेशन, इंफॉर्मेशन सिस्टम, सिस्टम प्रोसेसिंग. सिक्स्थ वर्ड, एंटरप्राइज इंफॉर्मेशन सिस्टम. Enterprise Information System. लिखना, there are various types of information systems. There are various types of information systems. That are used for a variety of purposes. That are used for a variety of purposes. Those information systems that are used for business purposes are known as enterprise information systems.
यहाँ पे ब्रैकेट में एग्जांपल लिख के रख लो टैली, ऊपर इन्फॉर्मेशन सिस्टम का एग्जांपल लिख के रखो कैलकुलेटर, ये सब एग्जांपल्स ही एग्जाम का 1.5 दिन में काम में आएगा सबसे ज्यादा। नाउ मैंने ना ये सारे डिस्कशन करते टाइम आप लोगों से एक वर्ड यूज किया जो किसी ने मेरे से पूछा नहीं, तो मैंने सोचा मैं ही पूछ लूं। आई यूज अ वर्ड कॉल्ड डेटाबेस, है ना। सो व्हाट इज अ डेटाबेस? प्लेस फ्रॉम वेयर, सोर्स ऑफ द रॉ मटेरियल, मतलब डेटा, सोर्स ऑफ द डेटा। बट व्हाट इज डेटाबेस? स्ट्रक्चर ऑफ डेटा, कलेक्शन ऑफ फाइल्स। ओके, सो एनी कलेक्शन ऑफ फाइल्स विल बी अ डेटाबेस शशांक? Like database of students or student details database. Okay. Understand, database कोई भी चीज का हो सकता है। Database, पहले technical definition सुनना, is a single file, हम लिखवा देगा सुना खाली है, or a collection of files where all the data is going to be kept in a structured and arranged manner. Where all the data will be kept in a structured and arranged manner and all the files are linked to each other, then it is called a database. Sir, iska matlab kya hai? Wapas chalte hain mere school wale example mein. Aaj agar school mein 1000 bacche hain, unka lakho data hai, to kya school wo lakho data ek hi file mein rakhega? स्कूल क्या करेगा, उसको एटलीस्ट 3 फाइल में ब्रेक करेगा। स्टूडेंट का अटेंडेंस डिटेल्स का एक फाइल, स्टूडेंट का मार्क्स डिटेल्स का एक फाइल, स्टूडेंट का फीस एक्स्ट्रा करिकुलर्स वगैरह का अलग फाइल, ऐसे 4-5 फाइल्स होंगे स्टूडेंट्स का। समझ में आ रहा है क्या? ये सारा 4-5 फाइल मिलाकर स्टूडेंट का डेटाबेस होगा। आर यू गेटिंग दिस? लेकिन सर अगर एक फाइल में अटेंडेंस है और ये फाइल में मार्क्स है और ये फाइल में पर्सनल डिटेल्स है, मुझे कैसे पता चलेगा ये अटेंडेंस, ये मार्क्स और ये पर्सनल डिटेल्स एक ही स्टूडेंट का है? द फाइल्स हैव टू बी लिंक्ड टू ईच अदर। कैसे होगा ये सब आगे सीखेंगे आप इसी चैप्टर में, मैं सिखाऊंगा। लेकिन ये अटेंडेंस, ये मार्क्स और ये पर्सनल डिटेल्स एक ही स्टूडेंट का है, ये पता चलता है लिंकिंग के थ्रू। डेटाबेस का सारा फाइल्स आर लिंक टू ईच अदर। अगर आप एक पेन ड्राइव में 4 फाइल रख देते हैं, बहुत सारे लोगों को लगता है कि ये डेटाबेस बन गया। नहीं, क्यों? क्योंकि सर यहां पे फाइल्स आर नॉट लिंक टू ईच अदर। फाइल सारा एक साथ है लेकिन आपस में लिंक नहीं किया हुआ है। लेकिन डेटाबेस के सारे फाइल्स आपस में लिंक किए हुए होते हैं। ताकि एक सॉफ्टवेयर होता है, अगर आपने नाम सुना हो DBMS, नाम सुना हो तो अच्छा, नहीं सुना तो और भी अच्छा, मेरे सिलेबस में है, मैं पढ़ाऊंगा, डोंट वरी। लेकिन DBMS होता क्या है सर? एक सॉफ्टवेयर होता है जो डेटाबेस को मैनेज करता है। तो मैं DBMS को कमांड देता हूं, इस फाइल का ये डेटा, इस फाइल का ये डेटा, इस फाइल का ये डेटा मेरे को निकाल के लाके दे दो। DBMS फाइल का डेटा निकाल के लाकर दे देता है, लेकिन सिर्फ तभी जब उसको पता होगा कि यह आपस में लिंक किया हुआ है, कि ये डेटा, ये डेटा, ये डेटा एक ही स्टूडेंट का है, तब वो उसको निकाल के लाकर मुझे दे देगा। आर यू गेटिंग ऑल दिस? फॉर एग्जाम्पल, अगर कोई शैतान बच्चा हो बैच में, यहां कोई नहीं है, एग्जाम्पल दे रहा है खाली, अगर कोई शैतान बच्चा है और उसके लिए मुझे उसका लास्ट 1 मंथ का अटेंडेंस जानना है, लास्ट 5 मॉक टेस्ट का मार्क्स जानना है, फादर्स नेम चाहिए और फादर्स मोबाइल नंबर चाहिए। आप तो समझ ही रहे हैं क्यों, ठीक है ना? तो लास्ट 1 मंथ का अटेंडेंस अलग फाइल में, लास्ट 5 मॉक टेस्ट का मार्क्स अलग फाइल में, फादर्स नेम और मोबाइल नंबर अलग फाइल में, तो हम DBMS को बोलते हैं इस बच्चे का ये डिटेल्स लाके दो। वो जाके फाइल से निकाल के लाकर दे देगा मुझे, लेकिन सिर्फ तभी जब उसे पता है कि ये एक ही स्टूडेंट का डिटेल्स है।
वो तब होता है थ्रू लिंकिंग. कैसे होते हैं ये लिंकिंग, ये हम आगे चल के सीखेंगे. लेकिन डेटाबेस है क्या सर? इट्स अ कलेक्शन ऑफ फाइल्स. एक फाइल का भी डेटाबेस हो सकता है जहां सारा डेटा एक ही फाइल में रखा हुआ है. एक एक्सेल का फाइल देखा है? एक्सेल फाइल देखा है? यस नो. उसमें बहुत सारे रोज होते हैं, उसमें बहुत सारे कॉलम्स होते हैं. सो व्हेन आई से A3, यू अंडरस्टैंड एक्सेल में इट इज सेल A3, नॉट कार A3, ठीक है ना, और BMW ऑडी A3 ऐसा नहीं. सो आइडियली अगर अपने एक्सेल में डेटा को रखें, वही स्कूल वाला, तो ऐसे रैंडमली थोड़ी ना रखेंगे A3 फिर B5 फिर C22 फिर D12. सिंगल फाइल और अ कलेक्शन ऑफ फाइल्स वेर ऑल द डेटा इज केप्ट इन अ सिस्टमैटिक एंड अरेंज्ड मैनर. एंड अगर मल्टीपल फाइल्स होगा तो इट इज लिंक टू ईच अदर, दैट इज अ डेटाबेस. कौन सा समझ में आ रहा है? लिखना. एनी सिंगल फाइल और अ कलेक्शन ऑफ फाइल्स वेयर ऑल द डेटा इज केप्ट इन अ सिस्टमैटिक एंड अरेंज मैनर. Any single file or a collection of files where all the data is kept in a systematic and arranged manner and all the files are linked to each other is called a डेटाबेस. कॉल्ड डेटाबेस. क्लियर है क्या? ओके. नाउ अपने बुक में कॉपी में दो कॉलम बनाओ. टू कॉलम्स ऑफ अप्रोक्सीमेटली 6 रोज IIS मतलब इंफॉर्मेशन सिस्टम. करेक्ट. इसीलिए अपने बुक में पता है कहीं डिस्कस नहीं किया व्हाट इज डेटा इंफॉर्मेशन और सीधा शुरू कर दिया इंफॉर्मेशन सिस्टम से. इसलिए हमने ये 1 घंटा लिया कि हमारे लिए अब बेसिक्स क्लियर है, देन वी मूव टूवर्ड्स दीज टॉपिक्स, अपने को कंफर्टेबली समझ में आएगा. ओके. सुनना एंड सोचना. अपने एग्जाम्स में हिस्ट्री ऑफ EISSM में सिर्फ 2 या 3 बार ऐसा हुआ है जहां बैक टू बैक टर्म्स में सेम टॉपिक आया है, सिर्फ 2 या 3 बार. लेकिन ऑल्टरनेट या सेकेंड लास्ट थर्ड लास्ट टर्म का टॉपिक्स ऑब्वियसली आ सकता है. 2 टर्म पहले क्वेश्चन आया था 5 फंक्शंस ऑफ IIS. फंक्शंस ऑफ IIS बोला, कोई भी इंफॉर्मेशन सिस्टम का अगर हम बात करें तो उसमें बेसिक पता है क्या होता है?
बेसिक है, कोई भी सिस्टम होगा उसमें इनपुट होगा, प्रोसेसिंग होगा, स्टोरेज होगा, आउटपुट होगा। और एक और चीज होता है, आउटपुट के बेसिस पे अगला इनपुट देना, दिस इज कॉल्ड फीडबैक। फाइव फंक्शंस ऑफ आईएएस, खत्म हो गया टॉपिक। फाइव फंक्शंस ऑफ आईएसआर अगर आप समझ रहे हैं, इनपुट, प्रोसेसिंग, स्टोरेज, आउटपुट एंड फीडबैक। व्हाट इज फीडबैक, नाम से समझ में आ रहा है, आउटपुट के बेसिस पे अगला इनपुट देना, दैट्स गोना बी फीडबैक। जैसे अगर आप एक क्लासेस करते हो और क्लासेस के बेसिस पे आप एक फीडबैक देते हो, दैट्स गोना बी आउटपुट के बेसिस पे इनपुट देना। आर यू गेटिंग दिस? स्टोरेज, बिकॉज ऑब्वियसली सिस्टम के अंदर आज के दिन में सिस्टम का एक काम तो ये भी है ना, डेटा को स्टोर करके रखना। आज अगर स्टोर नहीं, जैसे अपने कैलकुलेटर में भी मेमोरी फंक्शन होता है, स्टोर करके रखना, चाहे टेम्पररी चाहे परमानेंट, बट स्टोरेज भी तो जरूरी है। कई बार डेटा को स्टोर तो करना ही पड़ेगा टू बी एबल टू डू द वर्क, समझ रहे? ओके, सो फॉर एनी आईएएस देयर आर फाइव फंक्शंस फॉर अस, लिख लो। पहला कॉलम हेडिंग दिया था ना, फाइव फंक्शंस ऑफ एन आईएएस, उसके नीचे पॉइंट नंबर वन इनपुट, पॉइंट नंबर टू प्रोसेसिंग, पॉइंट नंबर थ्री स्टोरेज, पॉइंट नंबर फोर आउटपुट, एंड पॉइंट नंबर फाइव फीडबैक। ओके, उसके नीचे छोटा सा डायग्राम भी फटाफट बना लेते हैं। मैं बहुत सारे टॉपिक्स के साथ में डायग्राम्स यूज करूंगा। द होल आइडिया इज पिक्टोरियल इमेजेस आर इजी टू रिमेंबर। एग्जाम में ये इमेजेस याद रह जाते हैं, उससे पॉइंट्स याद रह जाते हैं, इसलिए हम लोग जहां तक होगा इमेजेस यूज करेंगे, ड्रॉ करेंगे टॉपिक्स को। डन, फाइव कॉम्पोनेंट्स। ओके, फाइव कॉम्पोनेंट्स ऑफ आईएएस क्या क्या होगा? कॉम्पोनेंट वर्ड का मतलब पता है क्या होता है? पीसेस, टुकड़ा, कॉम्पोनेंट्स मतलब, ओके, पार्ट्स। तो फाइव फंक्शंस हो गया मेरे लिए इनपुट, दीज आर लाइक स्टेप्स, दीज आर लाइक एक्टिविटीज, वहां लिख के रखना टॉपिक के पास में, फंक्शंस के लिए स्टेप्स, एक्टिविटीज, ओके, फाइव कॉम्पोनेंट्स इज लाइक पार्ट्स। तो बोला आज के जमाने में किसी भी इंफॉर्मेशन सिस्टम का दो बेसिक पार्ट होगा, पता है क्या? कुछ टेंजिबल पार्ट होंगे जिसको हम बोलेंगे हार्डवेयर, कुछ इनटेंजिबल पार्ट होंगे जिसको हम बोलेंगे सॉफ्टवेयर। तो हर आईएएस में आज के जमाने में कुछ हार्डवेयर पार्ट होगा, कुछ सॉफ्टवेयर पार्ट होगा। सर हार्डवेयर है, सॉफ्टवेयर है, लेकिन आईएएस का आउटपुट क्या होगा पता है? टफ क्वेश्चन, सोच के बताओ। आईएएस का आउटपुट विल बी एब्सोल्युटली इंफॉर्मेशन, और इंफॉर्मेशन प्रोड्यूस करने के लिए क्या चाहिएगा? डेटा। तो बोला आईएएस के पांच कंपोनेंट्स में हार्डवेयर होगा, सॉफ्टवेयर होगा, डेटा होगा। लेकिन सर ये हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर, डेटा है, लेकिन इसको चलाने के लिए इंसान चाहिएंगे। हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर तो सिस्टम्स हो गया, उसको चलाने के लिए इंसान चाहिएंगे। पीपल है, हार्डवेयर है, सॉफ्टवेयर है, डेटा है। और बोला आज के जमाने में
ये सिस्टम्स कंप्यूटर्स आइसोलेशन में काम नहीं करते, दे आर कनेक्टेड टू ईच अदर, और इनको आपस में कनेक्ट करवाने के लिए वी विल नीड नेटवर्क्स. फाइव कंपोनेंट्स ऑफ आईएसआर: पीपल, हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर, डेटा एंड नेटवर्क्स. और ये सबसे पहला मेन टॉपिक है जो हम शुरू कर रहे हैं. फाइव कॉम्पोनेंट फंक्शंस ऑफ आईएस के बारे में मेरे बुक में हाफ अ पेज है. फाइव कॉम्पोनेंट्स ऑफ आईएस के बारे में हम पांच क्लास पढ़ेंगे, जस्ट इमेजिन. लेकिन एग्जाम में कंफ्यूज नहीं होना है, बहुत आसपास का टॉपिक है. बहुत बार स्टूडेंट एक में दूसरा आंसर लिख लेते, इसलिए हमने दो कॉलम बना के लिख लिया कि लाइफ में कंफ्यूजन ही नहीं रहे होगा अपने लिए. सीक्वेंस कुछ भी नहीं है, ऊपर नीचे हो सकता है, ठीक है ना. लेकिन आइडियली आइडियली स्टेप्स वाला फिर भी एक ऑर्डर में होना चाहिए. आप ऐसे नहीं लिख सकते आउटपुट फिर इनपुट फिर प्रोसेसिंग, तो वो एक टेंटेटिवली एक ऑर्डर में होता है. फंक कॉम्पोनेंट्स ऑब्वियसली पार्ट्स है, कोई भी ऑर्डर में अपने बोल सकते हैं. लेकिन ये पांच कॉम्पोनेंट्स को हम लोग पांच क्लास तक पढ़ेंगे. बहुत डिटेल्ड डिस्कशन है इसके बारे में अपने बुक्स के अंदर. फंक्शंस ऑफ आईएएस खाली हाफ अ पेज है, आएगा डायरेक्टली पांच पॉइंट एक एक लाइन लिखकर आना है उसके बारे में. आर यू गेटिंग ऑल दिस? बट फाइव कॉम्पोनेंट्स ऑफ आईएएस इज द मेन टॉपिक जिसकी तरफ हम धीरे धीरे बिल्डअप करना चाहते थे. सो आज के क्लास में जो हम मेन टॉपिक शुरू करना चाहते हैं आपके साथ इज फाइव कॉम्पोनेंट्स ऑफ आईएएस. लेकिन उसको शुरू करवाने के लिए पहले डेटा इंफॉर्मेशन वर्ड समझना था, इंफॉर्मेशन सिस्टम समझना था और फंक्शंस ऑफ आईएएस समझना था, फिर अब हम कॉम्पोनेंट्स की तरफ आगे बढ़ सकते हैं. आर यू विद मी? तो पहले बुक में इतना चीजें रीड करते हैं, जहां तक हमने डिस्कस किया है लिख लिया है उतना रीड कर लेते हैं, फिर कंपोनेंट्स को शुरू करेंगे, तब फर्दर डिस्कशन में जाएंगे, ठीक है ना. आ जाओ बुक में चल रहे हैं अब अपने लोग. एवरीवन आउट विद चैप्टर थ्री. कोई सोच रहा होगा सर अभी तक चल रहा क्या था, अभी तक तो कोई चैप्टर ही शुरू नहीं हुआ. लेकिन चैप्टर थ्री का ऑलरेडी कई सारा पन्ना पढ़ा दिया मैंने. ये बाबू भाई का स्टाइल है कि हम जब डिस्कस करते हैं कितना पन्ना पढ़ा देते हैं, हमें भी नहीं पता होता है, फिर जब बुक खोलते हैं तब पता चलता है अच्छा इतना सारा हो भी गया टॉपिक्स. एक्चुअली अपने बुक में ना कई सारे टॉपिक्स स्कैटर्ड है. सो फॉर एग्जांपल ये इंफॉर्मेशन सिस्टम, ये सब का कुछ डेफिनेशन चैप्टर टू में है, कुछ डेफिनेशन चैप्टर थ्री में है, अलग अलग जगहों पर है. तो हमने एक साथ उसको आपको एक जगह समझा के लिखवा दिया. अब वो टॉपिक जब भी आएगा हम बोल देंगे रेफर कॉपी, सब अपना नोट्स है, ठीक है ना. ओके आइए शुरू कर रहे हैं. कम टू पेज 3.3. कुछ डेफिनेशंस मिलेंगे. आईएएस होता क्या है? IES is a combination of people, hardware, software, network and data resources. देखो दिख रहा है, अभी तक डिस्कस कर रहे थे हम लोग, लेकिन आप लोग हाँ नहीं बोले. तो ICAI को ऐसा लगा कि आप लोगों को समझ में नहीं आया, तो फिर ICAI ने वापस बोला एन IES depends upon the resources of people, hardware, software, डेटा एंड नेटवर्क्स. क्लियर हो रहा है क्या? पर आप लोग सबको हाँ नहीं बोले, तो ICAI का ऐसा लगा कि आप लोग को समझ में नहीं आ रहा. तो फिर नेक्स्ट पेज में बॉटम ऑफ द पेज में एक टॉपिक शुरू किया, कंपोनेंट्स ऑफ आईएएस. दिख रहा है क्या? उसमें नेक्स्ट पेज में मिडल ऑफ द पेज में बोला एन इंफॉर्मेशन सिस्टम कंप्राइजेज ऑफ पीपल, हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर, डेटा एंड नेटवर्क्स. आर यू गेटिंग दिस? लेकिन फिर भी आप लोग हाँ नहीं बोल रहे थे, तो ICAI को ऐसा लगा आपको समझ में नहीं आ रहा. तो नेक्स्ट पैरा में बोला पीपल, हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर, डेटा एंड नेटवर्क्स. आर यू विद मी?
लेकिन आईसीआई को ऐसा लगा कि आप लोगों को समझ में नहीं आया। सर कितना बार लगा उसको, इसलिए इस बार डायग्राम बना के समझाया। पीपल, हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर, डेटा एंड नेटवर्क्स। हाँ याद भी हो गया, फिर भी उसको ऐसा लगा आपको समझ में नहीं आया, इसलिए इसके नीचे से टॉपिक शुरू किया जो हम अगले पांच पन्ना तक, पांच चैप्टर मतलब पांच क्लास तक पढ़ेंगे। पीपल, हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर, डेटा एंड नेटवर्क्स, आईएएस के पांच कंपोनेंट। समझ में आ रहे हैं क्या? बुक ने 7-8 बार लिखा है, सर हमें एक बार में समझ में आ जाता है। ऑब्वियसली मैं दिखाना चाह रहा था कि दैट इज हाउ वी विल बी प्रोसीडिंग, एक ही टॉपिक आने वाला है कई बार। वापस आ जाओ पीछे, अभी मैं आईएएस का डेफिनेशन डिस्कस करवाऊँ आपके साथ। द आईएएस इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ पीपल, हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर, नेटवर्क एंड डेटा दैट प्रोसेसेस डेटा। इट नीड्स इनपुट फ्रॉम द यूजर विच विल देन बी प्रोसेस्ड एंड दैट विल बी सेंड टू अनदर यूजर। Are you with me? The main aim and purpose of each information system is to convert the data into information which is useful and meaningful. Dekhna, mark the right words. IS kya karta hai? Convert data into information which is useful and meaningful. Pick the right words, please. Underline karna hai. Samjha chuka hai sara. Likhwa chuka hai sara. Aap sirf underline kar rahe hai, mark kar rahe hai, read kar rahe hai. IS क्या है? एक सिस्टम है विच इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ पीपल, हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर, डेटा एंड नेटवर्क्स, जो क्या करता है, डेटा को इंफॉर्मेशन में कन्वर्ट करता है, डेटा को इंफॉर्मेशन में कन्वर्ट करता है दैट इज यूजफुल एंड मीनिंगफुल। आर यू विद मी एवरीवन? ओके, an information system has the following steps, same page bottom, this is a SQ. Get comfortable with my terminologies in my classes. So I use the word SQ. SQ matlab separate question. Jo bhi ek topic hai, आज कोई भी हेडिंग के बाद जब पॉइंट आता है ना, तो कोई भी बच्चा समझ जाता है इस हेडिंग से क्वेश्चन बन सकता है, इसके नीचे ये पॉइंट लिखना है। लेकिन जब कई बार पैराग्राफ से पॉइंट्स आता है, आईसीएआई का हैबिट है आजकल बुलेट्स के ऊपर वाले पैराग्राफ का जो लाइन होगा ना, वो लाइन लिखकर बोल देगा एक्सप्लेन, डिस्कस, ठीक है ना। तो आपने अगर पॉइंट्स खाली पढ़ा होगा तो आंसर नहीं लिख पाओगे, समझ में नहीं आएगा कौन सा वाला आंसर लिखना है, पॉइंट्स के ऊपर वाला ये लाइन पढ़ना जरूरी होता है। कई बार ये सब ऐसे क्वेश्चंस आते हैं, हम मिस कर सकते हैं पढ़ते टाइम, मिस नहीं हो ये लाइन पढ़ने का, इसलिए हम वहां पे एसक्यू लिख लेते हैं। तो हमें पता है इस लाइन से अलग क्वेश्चन बन सकता है जिसके आंसर ये नीचे वाला पॉइंट्स होने वाला है। एसक्यू लिखा हुआ होगा आपके कॉपी में, बुक में, तो आपको पता है ध्यान देना है, पढ़ते टाइम ध्यान जाएगा, ऑटोमेटिकली एग्जाम में मिस नहीं होगा। क्लियर हो रहा है ना? सो आईएएस के पांच स्टेप्स देखना, पहले हेडिंग वाइज इनपुट, प्रोसेसिंग, आउटपुट, स्टोरेज एंड फीडबैक। ओके, नाउ एग्जाम पर्सपेक्टिव, हमें क्या चाहिएगा पांचों पॉइंट के बारे में? 2 lines each, उतना ही लिखना, बुक में भी उतना ही है, दिख रहा है 1.5 line लिखा हुआ है टोटल में समुच्चा। तो जब बुक में ही उतना कंटेंट है तो ऑब्वियसली आई एम एक्सपेक्टेड टू राइट अबाउट 2 lines ईच फॉर ईच ऑफ देम। नाउ व्हाट इज इनपुट, व्हाट इज प्रोसेसिंग, व्हाट इज आउटपुट, आपने लाइफ में कभी नहीं पढ़ा तो भी आप 2 lines लिख लोगे, इतना बेसिक अपने को पता है। फिर भी इनपुट क्या होता है? टू एंटर डेटा इनटू द सिस्टम। प्रोसेसिंग इज टू कन्वर्ट द डेटा इनटू इंफॉर्मेशन। आउटपुट इज टू डिलीवर द आउटपुट प्रोसेस्ड टू द यूजर। स्टोरेज इज टू कीप इट, स्टोर इट इन द सिस्टम्स। समझ में आ रहा है क्या एवरीवन? सो बेसिक है, 1-1 line जितना राइट अप, ये सब एग्जाम के पहले वाले 1.5 दिन में बैठ के हम लोग ऑब्वियसली नहीं पढ़ेंगे। व्हाट इज इनपुट, व्हाट इज प्रोसेसिंग, क्लास में सुना समझा सफिशियंट होगा, बाकी नेचुरल अपने को नॉर्मल आता है, नॉर्मल लाइन में लिख कर आएंगे। ब्लैक हेडिंग्स याद होना चाहिए, 5 points।
ओके, डेटा इज कलेक्टेड टू कलेक्ट एंड एंटर डेटा इन द सिस्टम. टू कलेक्ट एंड एंटर डेटा इन द सिस्टम. साथ साथ में स्क्रिबल करते चलो बुक में ही आसपास. हाँ मतलब इनपुट का मतलब क्या हुआ, टू कलेक्ट एंड एंटर डेटा इन द सिस्टम. To collect and enter data in the system. Processing. A process is a series of steps to achieve a desired outcome or goal. Series of steps. To convert. Input into outputs. Okay. Output. The information thus produced is stored for future use or communicated to the user. The processing output is generated तो काफी होगा, I think कि processing करके एक output को create करते हैं, generate करते हैं. अब उसके बाद चाहे तो उसको system में store करना है या communicate करना होगा. Storage. The storage of data shall be done at the most detailed level as possible. The data is stored. Storage of data shall be done. एक और चीज समझना ना, ये स्टोरेज ऑफ डेटा बोल्ड में दिया हुआ है, ऐसा क्यों पता है? सो प्लीज अंडरस्टैंड, 2022 में आपका सिलेबस अमेंड हुआ था. एक्चुअली ईआईएस के साथ एक हिस्ट्री है. 2018 में ईआईएस एसएम आया, उसके पहले सिलेबस आईपीसीसी हुआ करता था, उसमें एग्जाम होते थे आईटीएसएम. आईटीएसएम का 30% सिलेबस लिया इन्होंने. उस समय जब आईटीएसएम होता था तो सीए फाइनल में एक सब्जेक्ट होता था इसका. सर किसका? इसका उसका है जाने किसका है. इसका आईएससीए, इंफॉर्मेशन सिस्टम्स कंट्रोल एंड ऑडिट. तो इन्होंने ईआईएस में 30% आईटीएसएम का आईटी लिया, 40% इसका लिया और 30% नया कंटेंट लिया, लेकर ईआईएस बनाया 2018 में. 2018 मई फर्स्ट एग्जाम हुआ था ईआईएस एसएम का. 2019 में के लिए एक नया बुक बना, कई सारे 10-15 पन्ना 20 पन्ना ऐड हुआ. फिर 2020 में के लिए एक नया सिलेबस आया, वापस अमेंडमेंट होके 10-15-20 पन्ना ऐड हुआ. फिर 2021 में के लिए एक नया सिलेबस आया, वापस 10-15-20 पन्ना ऐड हुआ. फिर 2022 में के लिए वापस एक नया बुक आया जिसमें वापस 10-15-20 पन्ना ऐड हुआ. हर साल अमेंड हुआ, बस 2023 में के लिए नया बुक नहीं आया, बिकॉज ऑब्वियसली नाउ द सब्जेक्ट इज एक्सपेक्टेड टू बी शिफ्टेड अवे. सो 2022 में लास्ट अमेंडमेंट हुआ, और जब अमेंडमेंट हुआ तो कई सारे कंटेंट ऐड हुए, एडिट हुए, चेंज हुए. जैसे ये 5 फंक्शंस जो हम पढ़ रहे हैं, ये 5 फंक्शंस पहले होता था इनपुट प्रोसेसिंग आउटपुट कंट्रोल्स एंड फीडबैक. कंट्रोल्स को चेंज करके हटाया गया और वहां पे रखा गया स्टोरेज. ये अमेंडमेंट है 2022 में का. लेकिन अमेंडमेंट्स 2022 में के बाद ये टॉपिक आ गया, 2022 नवंबर में आया ये टॉपिक.
फाइव फंक्शंस, लेकिन कई सारे अमेंडमेंट्स हैं जो अभी तक भी एग्जाम में नहीं पूछे गए हैं इन द थ्री टर्म्स 22 मई, 22 नवंबर एंड 23 मई में एग्जाम हो चुका है, उसमें भी अभी तक नहीं आया है. सो ऑब्वियसली कुछ अमेंडमेंट्स होंगे जो नवंबर 23 के लिए मोर इम्पॉर्टेंट होंगे. जब जब वो अमेंडमेंट टॉपिक आएगा आई विल मेंशन यू कि ये 2022 का अमेंडमेंट है. अगर वो आ चुका है नहीं आया है ये भी मैं आपको बता रहा हूँ, अकॉर्डिंगली आपको समझ में आ जाएगा वो आपके एग्जाम टर्म के लिए इंपॉर्टेंट है या नहीं है. एंड दैट्स हाउ इन द क्लास ओनली वी विल अंडरस्टैंड सर्टेन टॉपिक्स हाउ इंपॉर्टेंट दे आर फॉर एग्जाम पर्सपेक्ट. अभी गेटिंग दिस, ये अमेंडमेंट था लेकिन 2022 नवंबर में आया हुआ है, अमेंडेड है, इसलिए बोल्ड वाला पार्ट है. आपको लॉजिक समझ में आ रहा होगा, स्टोरेज अमेंड होकर आया था कंट्रोल्स की जगह, इसलिए बोल्ड में दिया हुआ है अपने बुक्स के अंदर. ओके, फीडबैक. IAS also needs feedback that is returned to an appropriate members. वहां पे एक लाइन लिखना, फीडबैक के लिए एक लाइन लिखना. Based upon the output, based upon the output, the next input is given. Based upon the output, the next input is given. And this is known as feedback. Based upon the output, the next input is given. And this is known as feedback. Okay. Next, अब चलते हैं main components of IAS की तरफ बढ़ रहे हैं. ओके एवरी वन, फर्स्ट मेन टॉपिक है अपना शुरू हो रहा है. बुक में आइएगा, ध्यान देना. नेक्स्ट पेज, दिस चैप्टर मेनली फोकसेस ऑन कंप्यूटर बेस्ड इंफॉर्मेशन सिस्टम्स. इंफॉर्मेशन सिस्टम्स आर नेटवर्क ऑफ हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर दैट पीपल विल यूज टू क्रिएट एंड ट्रांसफॉर्म एंड डिस्ट्रीब्यूट डेटा, टू क्रिएट प्रोसेस ट्रांसफॉर्म एंड डिस्ट्रीब्यूट डेटा. अंडरलाइन करते चलना साथ साथ में. आईएएस क्या कर रहा है, डेटा को कलेक्ट करेगा, कन्वर्ट करेगा, प्रोसेस करेगा, इंफॉर्मेशन जनरेट करेगा. देखो मेरे लाइंस कुछ कुछ मिलेंगे. इंफॉर्मेशन सिस्टम्स आर इंटर रिलेटेड कॉम्पोनेंट्स वर्किंग टुगेदर टू कलेक्ट प्रोसेस एंड डिसेमिनेट इंफॉर्मेशन. डिसेमिनेट यानी डिस्ट्रीब्यूट इंफॉर्मेशन टू हेल्प इन डिसीजन मेकिंग. इंफॉर्मेशन सिस्टम्स क्या है, कलेक्शन ऑफ कॉम्पोनेंट्स. इसे सब लिखवाया हुआ है, डिस्कस किया हुआ है, इसलिए सिर्फ मार्क कर रहे हैं, रीड कर रहे हैं. कलेक्शन ऑफ कॉम्पोनेंट्स है जो क्या करेगा, कलेक्ट करेगा, ट्रांसफॉर्म कन्वर्ट करेगा, प्रोसेस करके डिसेमिनेट, वर्ड का मतलब डिस्ट्रीब्यूट करेगा, एंड हेल्प इन डिसीजन मेकिंग कर रहा होगा. पीपल में, पीपल के बारे में अपने बुक में सिर्फ दो पैराग्राफ है, अगर आपको दिख रहा होगा नेक्स्ट पेज में भी नीचे से जो टॉपिक पीपल का शुरू होगा, जस्ट टू पैराग्राफ्स. जब बुक में टोटली दो पैराग्राफ है आपको देख के समझ में आएगा यहाँ से कोई अलग क्वेश्चन नहीं आ सकता. जैसे हार्डवेयर में बहुत सारे क्वेश्चन है जो नेक्स्ट टॉपिक में हम शुरू करेंगे आज, लेकिन पीपल के बारे में हमारे लिए एग्जाम पर्सपेक्टिव क्या आ सकता है, अगर पांच कॉम्पोनेंट्स पूछा तो पीपल के बारे में दो तीन लाइन लिखना है. करेक्ट, पीपल के बारे में हमें सिर्फ इतना जानना है कि दो टाइप के लोग चाहिए होते हैं सिस्टम से रिलेटेड. ठीक है ना, दो टाइप के लोग चाहिए होते हैं पीपल से रिलेटेड. वैसे तो दुनिया में बहुत टाइप के लोग होते हैं, बट पीपल हमें दो टाइप के चाहिएंगे. एक यूजर स्टाफ जो सिस्टम को यूज करके चलाएगा, यूजर स्टाफ जो सिस्टम को यूज करके चलाएगा, और टेक्निकल स्टाफ जो सिस्टम को रनिंग कंडीशन में रख रहा होगा. यूजर स्टाफ जो सिस्टम को चलाएगा, टेक्निकल स्टाफ जो सिस्टम को रनिंग कंडीशन में रख रहा होगा. आर यू गेटिंग ऑल दिस, यूजर स्टाफ एंड टेक्निकल स्टाफ, दो टाइप के लोगों की जरूरत होगी. आज अगर मेरे पास बहुत अच्छा यूजर स्टाफ है लेकिन टेक्निकल स्टाफ अच्छा नहीं है तो क्या होगा, जहां सिस्टम खराब होगा वो लोग ठीक नहीं कर पाएंगे, सिस्टम बार बार खराब हो रहा होगा, दिक्कतें आएंगी. आज अगर मेरे पास बहुत अच्छा टेक्निकल स्टाफ है, यूजर स्टाफ अच्छा नहीं है तो क्या होगा, ताकते रहेंगे दोनों एक दूसरे को, यूजर और सिस्टम, चलाना तो आता नहीं.
तो अगर अच्छा यूजर स्टाफ नहीं होगा तो भी दिक्कतें आएंगी, अच्छा टेक्निकल स्टाफ नहीं होगा तो भी दिक्कतें आएंगी. वी नीड गुड क्वालिफाइड प्रोफेशनल यूजर स्टाफ एंड टेक्निकल स्टाफ. समझ में आ रहा है? पीपल में इतना ही बात कर रहे हैं. दैट्स इट. आ जाओ. पीपल मीन्स ऑल दोज हु विल ऑपरेट मेंटेन एंड यूज द सिस्टम, दैट इज यूजर्स एंड आईएएस पर्सनल. देखो दो टाइप के लोगों का बात करेंगे. यूजर जो सिस्टम को चलाएगा एंड आईएएस पर्सनल यानी वो टेक्निकल लोग जो सिस्टम को रनिंग कंडीशन में रख रहे होंगे. आर वी गेटिंग दिस? ओके. हार्डवेयर मींस द फिजिकल कंपोनेंट्स. ये वर्ड आपने सुना होगा लाइफ में. हार्डवेयर टेंजिबल होता है, जैसे कि सीपीयू, मॉनिटर, कीबोर्ड, माउस ऑफ द कंप्यूटर. सॉफ्टवेयर मींस द सॉफ्टवेयर इनटेंजिबल पार्ट, सिस्टम सॉफ्टवेयर, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर. नेक्स्ट क्लास तक आएगा. सॉफ्टवेयर में दो टाइप के होते हैं, सिस्टम सॉफ्टवेयर, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर. डेटा इज द रॉ फैक्ट विच इज इनपुट इन द सिस्टम एंड नेटवर्क मीन्स कम्युनिकेशन मीडिया. रुक रहा हूं यहां पे 30 seconds. एक बार चेक कर लो, आर यू कंफर्टेबल विथ वॉट वी डिस्कस दस फॉर इन दिस पैराग्राफ? बिकॉज इसके बाद सीधा पीपल डिस्कस किया हुआ रीड करेंगे और फिर हार्डवेयर शुरू करेंगे. अगले अप्रोक्सीमेटली आधे घंटे तक हम हार्डवेयर के कुछ चीजें डिस्कस करेंगे जो अपने लिए रेलिवेंट है, ठीक है ना? ऑब्वियसली बहुत कुछ और आएगा हार्डवेयर के अंदर भी, सिर्फ थोड़ा सा पार्ट आज डिस्कशन होगा, बाकी सब नेक्स्ट क्लास में मूव इन करेगा. लेकिन पहले जितना अभी तक डिस्कस किया है ये वाला पार्ट क्लियर है, पांचों कंपोनेंट्स का, पीपल, हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर, डेटा एंड नेटवर्क्स, चेक कर लो. ये पैराग्राफ क्लियर है, चेक कर लो. प्लीज इंश्योर यू कंफर्टेबल टू हियर एवरीवन, फिजिकल लाइफ, वर्चुअल लाइफ. ओके. सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर इज बेसिकली अ पर्सन हु इज इन चार्ज. सो कोई भी एडमिनिस्ट्रेटर इज अ पर्सन जो ओवरऑल इंचार्ज हो रहा होगा, जो काम को ओवरसी कर रहा होगा. सो कोई भी कंपनी में, जब आईटी कंपनीज वगैरह होगी, आईटी से रिलेटेड होगा, तो उसमें एक सिस्टम्स वगैरह को ठीक करने के लिए एक टेक्निकल वाला बंदा होगा, लेकिन उसको ओवरसी करने के लिए एक एडमिनिस्ट्रेटर वगैरह भी हो रहा होगा. ओके. ओके. आते हैं पीपल के अंदर. इसके अंदर सीधा नेक्स्ट पेज में आओ ना. यहां पे पीपल आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट एलिमेंट इन कंप्यूटर बेस्ड इंफॉर्मेशन सिस्टम्स. मार्क विद मी. People are the most important elements of computer-based information systems. People include users of the system and IS personnel. देखना, दो टाइप के लोगों का बात करेंगे, users and IS personnel. Clear हो रहा है यहां तक? अब आते हैं सबसे मेन टॉपिक जो अब शुरू हो रहा है हार्डवेयर के बारे में. तो एक कंप्यूटर का डायग्राम डिस्कस करेंगे आपके साथ. लेट्स से किसी भी कंप्यूटर का एक बचपन में जब डायग्राम बनाते थे ना, बचपन में, तो कुछ ऐसा डायग्राम बनाते थे, याद आता है? ये सुनो, इसमें भी ना पता है बचपन में हम लोग तीन पार्ट बनाते थे सीपीयू का. क्या होता था इन तीन डब्बों में पता है?
बीच वाले डब्बे में हम लिखते थे सी यू। उस समय तो सर हम बच्चे थे, अब तो सी यू का मतलब हमारे लिए कलकत्ता यूनिवर्सिटी भी हो सकता है। इसको बोलते थे कंट्रोल यूनिट। ऊपर में एक होता था, इसको आलू लिखते थे, अगर याद आए सर। सब भोले थे सर हम, ये वाला आलू वो वाला आलू में फर्क होता है। दिस वॉज कॉल्ड, अगर याद आए, अरिथमेटिकल एंड लॉजिकल यूनिट। और ये नीचे में आता था मेमोरी, और कुछ ऐसा सा बचपन का कंप्यूटर का डायग्राम होता था। अभी के डायग्राम में ऐसा सा ही कुछ होगा, लेकिन थोड़ा और कॉम्प्लिकेटेड एडवांस लेवल पे डिस्कशंस होंगे। This is how the diagram will be proceeding. अभी खाली सुनते रहना, ध्यान से देखते रहो मेरे साथ साथ। नेक्स्ट 15-20 मिनट सिर्फ डिस्कशंस कर रहे हैं अच्छे से। हमारे लिए स्टोरेज के कई सारे पार्ट्स होंगे। आपने अगर बचपन से सुना हो मेमोरी का, तो कंप्यूटर के अंदर ना सबसे पहले एक पार्ट होता है जिसका नाम अगर आपने सुना हो तो बचपन में तो इसको राम बुला लेते थे आप। अच्छा अच्छा नहीं, राम नहीं, रैम है, और एक रोम होता है। सुना है? ओके, आई एम श्योर सुना होगा, लेकिन जो भी नॉलेज आपको पता होगा उससे एक लेवल नॉलेज मैं ऐड करूंगा पक्का। तो सुनना, इंटरेस्टिंग होगी चीजें। रैम एंड रोम, और रैम रोम के सिवाय हमारे कंप्यूटर में एक और चीज होता है, पता है क्या? हार्ड डिस्क। और यहां पे एक कंपोनेंट होता है जिसका नाम शायद आप लोगों ने नहीं सुना होता है, रजिस्टर। अब एक मिनट, मेरे हार्डवेयर के चार पार्ट हैं। हार्डवेयर का चार पार्ट है। सबसे पहला है इनपुट डिवाइसेस, सेकंड ये तीन को जोड़ के बनेगा प्रोसेसिंग डिवाइसेस, तीसरा इनको जोड़ के बनेगा स्टोरेज डिवाइसेस, एंड लास्ट आप समझ ही रहे होंगे, फोर्थ विल बी आउटपुट डिवाइसेस। तो मेरे लिए हार्डवेयर का चार पार्ट है, इनपुट डिवाइसेस, प्रोसेसिंग डिवाइसेस, स्टोरेज डिवाइसेस एंड आउटपुट डिवाइसेस। नाउ इनपुट डिवाइसेस के बारे में मेरे बुक में सिर्फ एग्जांपल्स हैं। तो क्या आप मुझे इनपुट डिवाइसेस के एग्जांपल्स दे सकते हो? कंप्यूटर के इनपुट डिवाइसेस क्या क्या होते हैं? कीबोर्ड, माउस, माइक्रोफोन, ऑडियो इनपुट, कीबोर्ड, माउस, माइक्रोफोन, व्हाट एल्स? जॉयस्टिक, वेरी गुड, गेमर्स विल नो इट। ओके, सो इनपुट डिवाइसेस मेरे बुक में इतना ही है। इनपुट डिवाइस आर द डिवाइस थ्रू विच वी एंटर इनपुट, एग्जाम्पल, ये खत्म। प्रोसेसिंग डिवाइसेस के बारे में डिटेल डिस्कशन है जो आज शुरू होगा, ठीक है ना? प्रोसेसिंग डिवाइसेस तक आज डिस्कस करेंगे। स्टोरेज डिवाइसेस, आउटपुट डिवाइसेस नेक्स्ट क्लास में आने वाला है। स्टोरेज का भी अगर आप सुनते हैं, समझते हैं, तो ये चीज समझो
ये रैम और रोम को मिला के ना देर इज समथिंग कॉल्ड प्राइमरी मेमोरी एंड दिस हार्ड डिस्क इज कॉल्ड सेकेंडरी मेमोरी. उसको प्राइमरी क्यों बोलते हैं, इसको सेकेंडरी क्यों बोलते हैं, बीच वाला वो ब्लैंक को क्या बोलते हैं, ये सब नेक्स्ट क्लास का फोकस है. चलो ब्लैंक को क्या बोलते हैं ये तो नाम बता देते हैं आपको. कई बार आप अपने फोन में करते रहते हैं क्लियर हर बार. क्या होता है ये कैश मेमोरी, कुछ लोग तो कैचे बोलते हैं, कैचे नहीं कैश, प्रोनंसिएशन कैश है ठीक है ना, स्पेलिंग सी एस सी एच ये पर प्रोनंसिएशन कैश होता है. तो ये कैश मेमोरी क्या है, क्या काम में आता है, क्या होता है क्लियर कैश करने से, सब कुछ डिस्कस करूंगा आगे. अभी मेरा फोकस है प्रोसेसिंग डिवाइसेस की तरफ. आर यू विथ मी एवरीवन? ओके नाउ कंप्यूटर के अंदर कंट्रोल यूनिट अगर आप समझ रहे हो तो वो सेंट्रल पार्ट है जो बाकी सबको आपस में कनेक्ट करवाता है. तो फॉर एग्जांपल अगर आपको कुछ भी इनपुट करते हैं तो वो इनपुट कंट्रोल यूनिट के पास जाता है. अगर आपको कुछ भी आउटपुट मिलता है तो वो आउटपुट कंट्रोल यूनिट के थ्रू आता है. कंट्रोल यूनिट इज द सेंट्रल कंट्रोलिंग हार्डवेयर दैट कंट्रोल्स ऑल द अदर हार्डवेयर्स. आर यू विद मी? तो फॉर एग्जांपल अगर आप एग्जांपल आप 2+2 करते हैं तो ये 2+2 इज अ अरिथमेटिकल कैलकुलेशन जो ALU करके देता है. ALU का काम क्या है, अरिथमेटिकल कैलकुलेशंस, ऐड मल्टीप्लाई डिवाइड ये सब करना, लॉजिकल ग्रेटर देन लेस देन डिसीजंस लेना. तो आप कंप्यूटर को कमांड देते हैं 2+2, ये इनपुट आपने दिया 2+2, ये इनपुट गया कंट्रोल यूनिट के पास. कंट्रोल यूनिट को अपना बुद्धि नहीं है 2+2 कितना होता है, वो जाके ALU को पूछता है 2+2 कितना होता है, बोला 4 होता है रे. ये 4 ALU से वापस आता है कंट्रोल यूनिट के पास और फिर कंट्रोल यूनिट इसको आउटपुट मॉनिटर पे ले जाके डिस्प्ले कर देता है. आर यू गेटिंग द कॉन्सेप्ट? इनपुट से कंट्रोल यूनिट के पास गया, कंट्रोल यूनिट से ALU के पास गया, ALU से वापस कंट्रोल यूनिट के पास आया और फिर कंट्रोल यूनिट से मॉनिटर पे डिस्प्ले हो रहा है. आर यू गेटिंग ऑल दिस? मॉनिटर इज एन आउटपुट डिवाइस. लेकिन कंट्रोल यूनिट खाली बाकी हार्डवेयर के बीच में कोऑर्डिनेशन का काम करता है, बाकी आप ही तो ये 2+2 भी नहीं कर पाता है. समझ में आ रहा है ना? वो भी ALU से जाके पूछना पड़ता है उसको. अब अगर आपने एग्जाम्पल सुनते रहिएगा बिकॉज मेरे क्लास में एग्जाम्पल्स ही है जो समझाने का है, बाकी तो सिर्फ रीड राइट करवा दूंगा एग्जाम के लिए. अगर आपने कंप्यूटर में एक्सेल की भाषा में एक कमांड दिया, कंप्यूटर में मल्टीप्लाई इज एन एस्ट्रिक साइन, हाँ थोड़ा सा ऊपर करके लिखा हुआ एस्ट्रिक साइन. अगर आपने कंप्यूटर को कमांड दिया 2+2 × 3, नाउ 1 मिनट, आपने ये इनपुट दिया, ये किसके पास जाएगा? कंट्रोल यूनिट के पास. कंट्रोल यूनिट सबसे पहले ALU से जाके पूछेगा 2+2 कितना होता है, बोला अभी तो बताया था 4 होता है रे. ये 4 वापस आएगा कंट्रोल यूनिट के पास. अब कंट्रोल यूनिट को 4 अपने माइंड में कहीं रखना पड़ेगा. इसका आउटपुट आएगा क्या सेकंड वाले पार्ट का? व्हाट विल बी द आउटपुट ऑफ दिस? आंसर विल बी 12. लेकिन आपने जब मुझे 12 बताया तो आपने एक बार 4 को माइंड में रखा, फिर 4 × 3 करके आउटपुट मुझे 12 बताया. आर यू विद मी? तो सिमिलरली जब ALU भी 4 बताएगा कंट्रोल यूनिट को, तो कंट्रोल यूनिट को भी 4 को अपने माइंड में कहीं रखना पड़ेगा. वो जो कहीं ALU रख कंट्रोल यूनिट रखेगा, दैट विल बी कॉल्ड रजिस्टर. रजिस्टर प्रोसेसर का 3 पार्ट है, ALU, CU एंड रजिस्टर. What is register used for? Register is used for temporary storage during processing. Line ko dhyan se sunna and samajhna. Register is used for temporary storage during processing. So processing ke dauran agar koi bhi interim values, interim matlab WIP values aapki bhasha mein, इंटरिम वैल्यूज, कुछ भी वैल्यूज जनरेट होता है तो वो वैल्यूज को स्टोर हम रजिस्टर पे कर रहे होते हैं. आर यू गेटिंग ऑल दिस? ये वैल्यूज को स्टोर हम रजिस्टर पे कर रहे होते हैं, इंटरिम वैल्यूज को, WIP वैल्यूज को. तो बोला हम पहले 4 2+2
करवा के लाएंगे ALU से, 4 आएगा कंट्रोल यूनिट के पास, कंट्रोल यूनिट 4 को ALU में रखे रजिस्टर पे रखेगा, फिर जाके ALU से पूछेगा 4 × 3 कितना होता है, वो बताएगा 12 होता है, और फिर आपके स्क्रीन पे लाके डिस्प्ले कर देगा 12। आर यू गेटिंग दिस? दैट इज हाउ द एंटायर कैलकुलेशन। आपको तो लगता है आपने टीपा 2 + 2 × 3 और वो स्प्लिट सेकंड में स्क्रीन पे आ जाता है 12, लेकिन उसके बीच में ये पूरा काम होता है। पहले वो जाता है कंट्रोल यूनिट के पास, कंट्रोल यूनिट जाके ALU से पूछता है, ALU 4 कैलकुलेट करके कंट्रोल यूनिट को बोलता है, कंट्रोल यूनिट 4 वैल्यू को रजिस्टर पे रखता है, फिर जाके ALU से 4 × 3 पूछता है, और फिर जो वैल्यू 12 आता है आपके मॉनिटर पे लाके डिस्प्ले कर देता है। हम तो कभी इतना सोचते ही नहीं है, वो तो बस क्लिक करते हैं हो जाता है। 4 इज फॉर ओनली टेम्पररी स्टोरेज। फिर वो वैल्यू को लेके वापस 4 × 3 करवाने जाता है ALU के पास, कंट्रोल यूनिट, और फिर 4 × 3 करके जो वैल्यू 12 आता है कंट्रोल यूनिट के पास, वो सीधा मॉनिटर पे डिस्प्ले कर देता है। क्लियर हो रहा है एवरीवन? रजिस्टर्स 3-4 टाइप के हो सकते हैं, हम डिस्कस करेंगे, लेकिन इनपुट डिवाइसेस प्रोसेसिंग डिवाइसेस वाला पार्ट समझ में आ रहा है ना? प्रोसेसिंग डिवाइसेस जो प्रोसेसिंग करेगा, उसमें कंट्रोल यूनिट बीच वाला मेन पार्ट है जो सारा पार्ट्स को कोऑर्डिनेट करेगा, ALU अरिथमेटिकल लॉजिकल काम करेगा, रजिस्टर टेम्पररी स्टोरेज ड्यूरिंग प्रोसेसिंग कर रहा होगा। स्टोरेज के दौरान, प्रोसेसिंग के दौरान जब भी कोई वैल्यू स्टोर करना होगा तो वो स्टोरेज वाला काम ये करके दे रहा होगा। क्लियर हो रहा है? पक्का एवरीवन? बुक में आना। अच्छा पहले 2 मिनट लेके ना ये डायग्राम कॉपी करो, ये अभी एग्जांपल कॉपी नहीं करना है, ये बॉक्स वाला एग्जांपल अभी कॉपी नहीं करना है, बाकी पूरा डायग्राम कॉपी करो 2 मिनट लेके। हाँ पूरा खाली दोनों एग्जाम्पल बॉक्स का छोड़ के। क्या चीज? रैम एंड रोम को मिला के कैश प्राइमरी मेमोरी बोलते हैं। कैश नहीं, कैश अलग है, कैश स्टोरेज का पार्ट है, लेकिन रैम प्लस रोम दोनों को मिला के प्राइमरी मेमोरी बोलते हैं, और हार्ड डिस्क को सेकेंडरी मेमोरी बोलते हैं। क्या चीज? हाँ मतलब रैम एंड रोम दोनों प्राइमरी मेमोरी का पार्ट है, इसलिए उसको स्प्लिट कर रखा है, दोनों बगल बगल में आता है, प्राइमरी मेमोरी का ही पार्ट है दोनों, रैम एंड रोम, एक के पीछे एक नहीं आता है, एक के बगल में एक है।
Done. Virtual people. Everyone else, Madhusudan, Pritham, Shafali. Okay. ओके बुक में आने, सबसे पहले हार्डवेयर वाला पार्ट डिस्कस कर रहे हैं, रीड कर रहे हैं, फिर ऑन द सेम पेज. हाँ, 3.6. हार्डवेयर इज द टैंजिबल पोर्शन ऑफ आवर कंप्यूटर सिस्टम, समथिंग वी कैन टच एंड सी. Hardware is the tangible portion of our computer system, something we can touch and see. The physical components of technology. The physical components of technology. It basically consists of devices that perform the functions of input, processing, storage and output. Input, processing, storage and output. उसमें सबसे पहला आ रहा है इनपुट डिवाइसेस. दीज आर डिवाइसेस थ्रू विच वी इंटरैक्ट विद द सिस्टम, लाइक कीबोर्ड, माउस, जॉयस्टिक. देखो, इनपुट डिवाइसेस, डिवाइसेस थ्रू विच वी इनपुट डेटा, एग्जांपल कीबोर्ड, माउस, जॉयस्टिक. नेक्स्ट पेज में देखना एग्जांपल्स के लिए, वेबकैम, माइक्रोफोन. नेक्स्ट आगे आ रहे हैं प्रोसेसिंग डिवाइसेस. दीज आर यूज टू प्रोसेस डेटा इनटू इंस्ट्रक्शंस. दीज आर यूज टू प्रोसेस डेटा इनटू इंस्ट्रक्शंस, परफॉर्म कैलकुलेशंस. द मोस्ट कॉमन डिवाइस इज द सीपीयू, विच इज द एक्चुअल हार्डवेयर दैट इंटरप्रेट्स एंड एग्जीक्यूट्स द इंस्ट्रक्शंस and coordinates how all the other hardwares work together. CPU is the main part that coordinates all the other hardwares and executes the software instructions. Software, ek minute, suna. Software kya hota hai? It is a set of instructions. Jo computer ko batata hai kya kaise kaise karna hai. Lekin wo kaam karwane wala kaam CPU kar raha hoga. To software instructions hoga, usko execute karwane wala kaam CPU kar raha hoga. It is like the brain of the computer, which is built on a small flake of silicon containing equivalent several million transistors. Mil raha hai ye line? Containing several million transistors. We can think of transistors as a switch which can be on or off, taking the values 1 or 0. Ek minute, ye cheez samjha raha hai. अगर आपने सुना हो तो कंप्यूटर का लैंग्वेज इज कॉल्ड बाइनरी. समझ में आ रहा है क्या? कंप्यूटर का लैंग्वेज इज बाइनरी, यानी कंप्यूटर के लिए एवरी डेटा गेट्स कन्वर्टेड इनटू वन एंड जीरो. एवरीथिंग अल्टीमेटली विल बी स्टोर्ड इन वन एंड जीरो, 0101 1100. तो थिंक ऑफ कंप्यूटर का ब्रेन लाइक अ सेवरल मिलियन ट्रांजिस्टर्स. थिंक ऑफ देम लाइक स्विचेस. जैसे अपने स्विच हो सकते हैं ऑन या ऑफ, लाइट के स्विचेस होते हैं ना, ऑन या ऑफ होगा. वैसे ही छोटे छोटे मिलियंस ऑफ ट्रांजिस्टर्स हैं जिनका वैल्यू सिर्फ वन या जीरो, वन या जीरो हो रहा होगा. और ये वन जीरो के कॉम्बिनेशन में सारा डेटा स्टोर और प्रोसेस हो रहा होगा. आर यू गेटिंग ऑफ दिस? द एंटायर ब्रेन इज लाइक मिलियंस ऑफ स्मॉल स्मॉल ट्रांजिस्टर्स कंसिस्टिंग ऑफ वन एंड जीरो का कॉम्बिनेशन. क्लियर हो रहा है? यस. इसके तीन पार्ट्स होते हैं, कंट्रोल यूनिट, ALU एंड रजिस्टर्स. देखो जो समझाया है वही रीड कर रहे हैं अपने. इसके तीन पार्ट होते हैं, कंट्रोल यूनिट, ALU एंड रजिस्टर्स. कंट्रोल यूनिट कंट्रोल्स द फ्लो ऑफ डेटा. कंट्रोल यूनिट कंट्रोल्स द फ्लो ऑफ डेटा एंड कंट्रोल्स विच टास्क टू एग्जीक्यूट एंड व्हेन. इट इज द सेंट, वहां पे लिख लो, कंट्रोल यूनिट इज द सेंट्रल यूनिट.
control unit is the central unit that controls and coordinates the working of all the other units. ALU performs arithmetical काम. arithmetical जैसे कि addition, subtraction, multiplication and logical काम like equal to, greater than and less than. arithmetical and logical. Registers are the part of the processor which is used to hold the instructions, perform mathematical operations and store any kind of data. प्रोसेसर रजिस्टर का मेन फीचर पता है दो चीज है वहां लिख के रखो यूज्ड फॉर टेम्पररी स्टोरेज ड्यूरिंग प्रोसेसिंग यूज्ड फॉर टेम्पररी स्टोरेज ड्यूरिंग प्रोसेसिंग और एक चीज लिखना दे आर वेरी फास्ट बट वेरी स्मॉल दे आर वेरी फास्ट बट वेरी स्मॉल ये वेरी फास्ट वेरी स्मॉल क्यों बोल रहे हैं ये अगले क्लास में समझ में आएगा जब मैं बाकी मेमोरी से इसको कंपेयर करवाऊंगा लेकिन अभी सिर्फ इतना इसका बारे में लिख के रख रहे हैं हम लोग कि दे आर वेरी फास्ट एंड वेरी स्मॉल दीज आर हाई स्पीड वेरी स्मॉल मेमोरी यूनिट्स दे आर ऑफ द साइज ऑफ 32 या 64 बिट्स खाली का होता है ये दे जनरली ओनली ऑफ 32 या 64 बिट्स रजिस्टर्स चार्ट टाइप के हो सकते हैं इस पैराग्राफ में लिखा हुआ है ये चार्ट टाइप के रजिस्टर्स मैं आज नहीं करवा रहा हूं ये मैं नेक्स्ट डे करवाऊंगा क्योंकि नेक्स्ट डे में जब मैं रजिस्टर को बाकियों से कंपेयर करवाऊंगा तब उसके बाद ये वाला पार्ट हम पिकअप कर रहे होंगे ठीक है ना अभी हम लोग आज के लिए इतना ही डिस्कस करेंगे इससे ज्यादा नहीं कर रहे हैं फर्स्ट डे है फर्स्ट सेशन है कीपिंग इट लाइट ऑब्वियसली अदरवाइज अपने सेशन थोड़े से और ज्यादा होंगे हाँ दो घंटा दस मिनट टाइप्स हम लोग पढ़ेंगे हर दिन आज अंडर टू आवर्स है ठीक है फर्स्ट सेशन है 8:08 फाइनल वाला 7:45 होता है ओके सो आइडियली आज के सेशन में एक बार रिवाइज करते हैं पांच मिनट हमने क्या क्या सीखा सबसे पहले हमने सीखा व्हाट इज डेटा वी सेड डेटा इज अ कलेक्शन ऑफ रॉ फैक्ट्स एंड फिगर्स फ्रॉम विच नो मीनिंगफुल कंक्लूजन्स कैन बी डिराइव्ड हमने सेकंड सीखा व्हाट इज इंफॉर्मेशन हमने कहा इंफॉर्मेशन इज प्रोसेस डेटा एंड इट हेल्प्स अस इन डिसीजन मेकिंग हमने कहा सिस्टम इज अ सेट ऑफ कॉम्पोनेंट्स दैट आर इंटरडिपेंडेंट इंटर रिलेटेड दैट ऑपरेट कलेक्टिवली फॉर अ कॉमन पर्पज और गोल हमने कहा इंफॉर्मेशन सिस्टम इज अ सिस्टम दैट विल कन्वर्ट डेटा इन टू इंफॉर्मेशन और इसमें गीगो कॉन्सेप्ट होता है गीगो यानी गार्बेज इन गार्बेज आउट हमने कहा एंटरप्राइज इंफॉर्मेशन सिस्टम इज द इंफॉर्मेशन सिस्टम दैट विल बी यूज फॉर बिजनेस पर्पजेस हमने कहा डेटा बेस इज एनी सिंगल फाइल और अ कलेक्शन ऑफ फाइल्स वेर ऑल द डेटा विल बी केप्ट इन अ सिस्टमैटिक एंड अरेंज मैनर एंड ऑल द फाइल्स विल बी लिंक टू ईच अदर हमने कहा आईएएस के पांच फंक्शंस या स्टेप्स होंगे क्या क्या इनपुट प्रोसेसिंग स्टोरेज आउटपुट फीडबैक हमने कहा आईएएस के पांच कंपोनेंट्स होंगे कंपोनेंट्स विल बी पीपल हार्डवेयर सॉफ्टवेयर डेटा नेटवर्क्स पीपल में दो टाइप के लोग चाहिएंगे यूजर स्टाफ टेक्निकल स्टाफ हार्डवेयर के अंदर हमने कहा हार्डवेयर के अंदर हमने कहा चार पार्ट होगा इनपुट डिवाइसेस प्रोसेसिंग डिवाइसेस स्टोरेज डिवाइसेस आउटपुट डिवाइसेस प्रोसेसर का तीन पार्ट सीखा कंट्रोल यूनिट एएलयू रजिस्टर्स
रजिस्टर्स क्या क्या टाइप के होंगे ये नेक्स्ट डे सीखने वाले हैं, मेमोरी वगैरह डिस्कस करने वाले हैं। नेक्स्ट सेशन बहुत कुछ इंटरेस्टिंग होने वाला है जो हम लोग डिस्कस करेंगे। धीरे धीरे ये पांच कंपोनेंट्स के अंदर और आगे बढ़ेंगे, तो हार्डवेयर वाला पार्ट फिनिश करेंगे, सॉफ्टवेयर की तरफ आगे बढ़ेंगे। वी विल हैव लॉट्स टू कैच अप इन द नेक्स्ट सेशन। यहां तक आपको अच्छे से रिवाइज करके आना है। प्लीज इंश्योर दो चीजें हैं इंपॉर्टेंट, प्लीज इंस्ट्रक्शन से सुन लीजिएगा। क्लास में जितना चीज हो रहा है उसको आधा घंटा देके रिवाइज करके नेक्स्ट सेशन में आप बैठेंगे। जो लाइव आ रहे हैं फिजिकली वर्चुअली वो यू विल रिवाइज एंड देन सिट। जो रिकॉर्डेड भी क्लासेस कर रहे हो यू मस्ट रिवाइज बिफोर यू सिट डाउन टू डू द नेक्स्ट क्लास। मैं हर क्लास के एंडिंग में रिवाइज कराऊंगा, स्टार्टिंग में रिवाइज कराऊंगा। आप एक बार खुद से रिवाइज करके बैठोगे ना, दो तीन बार साथ साथ में रिविजन हो जाएगा, कोई एक्स्ट्रा लोड नहीं लेना पड़ेगा। ये सब्जेक्ट हर किसी का ग्रुप टू को पुल करता है, लेकिन ये पुल करेगा या ये पुल करेगा ये आपके हाथ में। People have easily been able to score 70s, 80s in this paper. Certain people have even scored 90. I don't say disclaimer, mere wajah se nahi hai. But I'm saying subject scorable hai. Yes, we help them in their preparations, but aap perform karke isme easily exemptions la sakte ho. Thoda sa effort dena aur uske liye sirf saath saath mein revise karte rehna hai. Theek hai na? तो प्लीज रिवाइज करके आइएगा। ऑल्सो द पीपल हु आर अटेंडिंग फिजिकल लाइव एंड वर्चुअल लाइव, ऑब्वियसली जब आप अगर सच्ची में रिवाइज करते हैं तो हो सकता है कुछ डाउट्स आए। फील फ्री टू डिस्कस दोज डाउट्स इन द क्लास। आई हैव सफिशिएंट मार्जिन इन माई 53 क्लासेस। आई प्लान टू टेक अप्रॉक्सिमेटली 53 क्लासेस, 38 फॉर EIS एंड अबाउट 15 फॉर SM, ठीक है ना। बट इन दिस 53 क्लासेस आई हैव सफिशिएंट मार्जिन फॉर ऑल योर डाउट्स एंड क्वेरीज। लेकिन जो भी डाउट आए क्लास में पूछो, क्लास में पूछने में हिचक है, क्लास के आगे पीछे पूछो, व्हाट्सएप पे पूछो, बट गेट योर डाउट्स क्लैरिफाइड। प्रॉब्लम क्या होता है कि लोग क्लास में डाउट पूछने में उनको दिक्कत होती है, हिचक आता है, सर पूछे नहीं पूछे, सोचते घर जाके समझ लेंगे। पर सर घर जाके बुक भी वही रहता, मैं भी वही रहता, समझ में तो आता नहीं, तो फिर सोचते बगल वाले से समझ लेंगे। हर एक फ्रेंड जरूरी होता है, बट सर प्रॉब्लम क्या है, तो वो भी मेरा ही फ्रेंड, समझ में तो उतना ही आता है, तो एज अ लास्ट रिसोर्ट होता है सर रट के चले जाएंगे। किसी ने गलती से बुक्स खोली होगी तो EIS में 5 चैप्टर है, SM में 8 चैप्टर है, 13 चैप्टर। स्टूडेंट ना हर एक चैप्टर में 3 या 4 ऐसा टॉपिक जुगाड़ लेगा जो उसको नहीं आता, जो रटेगा। अब लास्ट के 1.5 दिन में ये 50 रटें या बाकियों को रिवाइज करें, क्यों लाइफ में पाइल ऑन करना है। मेरे पास सफिशियंट मार्जिन है, आप जितने डाउट्स आता है क्लास में पूछो, आगे पीछे पूछो, पर उसको यहीं क्लियर करके जाना है, ठीक है ना। डाउट्स क्लियर होगा कभी भी प्रॉब्लम नहीं आएगा, नहीं तो कंपाउंडिंग होता चला जाएगा, आप समझते ना कंपाउंडिंग। तो इसीलिए कॉन्सेप्ट को क्लियर रखना, शुरू से कंफर्टेबल रहेगा, सब्जेक्ट इंटरेस्टिंग लगेगा, स्कोरिंग भी बनेगा। शुरू से कंफर्ट रखिएगा सब्जेक्ट को, थोड़ा सा एफर्ट खाली रिवाइज करने जितना मेरे साथ साथ में देते रहिएगा। बाकी आई विल कीप गाइडिंग यू एंड टेलिंग यू व्हाट व्हेन एंड हाउ यू हैव टू डू इन योर रिविजन एंड प्रिपरेशंस। ओके, फर्स्ट सेशन आज यहीं पे रैप अप करते हैं। आई होप यू फाउंड द सेशन यूजफुल। वी हैव मोर एनरिचिंग सेशंस लाइंड अप। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट सेशन एवरीवन। थैंक यू ऑल।